जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक तो मेहताब रफीक साहब का क्वेश्चन आया जी सबसे पहले क्लास में। कहते हैं जी आप कंसेशन एक्सेप्शन एंड सर्कुलर लेटर्स को एक्सप्लेन कर दें। मेहताब साहब आप मुझे बताएं, आपने खुद इसको रीडिंग दी है? फर्स्ट ही तो आप ये बताइए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए। जी सर की थी अच्छा, रीडिंग की थी? कहाँ से रीडिंग की थी? ये सर आपके नोट्स से। अच्छा, तो आपको क्या समझ आई है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपने पढ़ के क्या समझा उसको? सर ये एग्जेम्प्ट इनकम जो होती है सर, इसमें थोड़ा जो मैंने देखा था वो सर मुझे ये लगा था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके तो बाद जो कार्टेज इंडस्ट्री होती है ये इनके जो टैक्सेस होते हैं ये एग्जेम्प्ट होते हैं, तो ये आपने कैसे बोल कंसेशन दिया, कॉटेज इंडस्ट्री का आपने कैसे बोल दिया? ये सर कुछ मेरा जो आइडिया था वो यही है सर, इस वजह अच्छा, से मिस आइडिया। गया अच्छा आपका। ठीक है, और कंसेशन जो थी उसके बारे में? सर कंसेशन सर इसका कोई खास आइडिया नहीं है सर मुझे अभी, इसलिए आपको बोल रहा हूँ रिपीट कर दें। अच्छा, मैं रिपीट जरूर कर देता हूँ, मैं आपको बता दूं कि बेसिकली आपने रिवाइज किया कि नहीं किया मुझे आइडिया नहीं है। क्लास के अलावा भी ना, जहाँ पे आपको कोई स्टक हो जाए ना, तो मतलब आप कहते हैं मैंने क्लास ली है, इवन देन रिकॉर्डिंग को अटेंड किया करें, ठीक है? जी सर चलें हम कर लेते हैं इसको। देखें, दो तरह की माफियां हैं टैक्स के कानून में। एक को बोलते हैं माफियों से मुराद ये है कि कोई टैक्स कम लिया जा रहा होगा। स्टैंडर्ड टैक्स ये ऐसे ही, मैं मिसाल देता हूँ कि आप नमाज पढ़ें, ठीक है, ये हुक्म है, इसको फॉलो आपको करना चाहिए। लेकिन इसकी कुछ माफियां हैं, यानी कि बीमार बंदा है वो नमाज ना भी पढ़े, मतलब उसकी भी कोई इंटेंसिटी है कि इस लेवल तक बीमार है तो वो ना पढ़े। अच्छा जी, सफर पे है बंदा तो वो आधी नमाज पढ़ ले, यानी कि कुछ माफियां हुई ना। इस तरह से बिल्कुल आपके टैक्स के कानून ने कहा है कि टैक्स आपने देना है जी, लेट्स सपोज 15% देना है आपकी कमाई, मिसाल के तौर पर। अच्छा, 15% देना है, ठीक है जी। लेकिन कुछ लोग, उन्होंने कहा है दिया कि ये वो लोग होंगे कि जिन्होंने 15%, उन्होंने टैक्स देना ही नहीं। ये जो लोग हैं ये इस सेक्शन में, सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 151, यानी कि ये तकरीबन 11 12 सेक्शन बन गया, तकरीबन 11 ये और एक सेक्शन 102, इनको जब आप रीडिंग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं जिनको इन्होंने कहा है कि आपने टैक्स ही नहीं देना, ठीक है? यानी कि एग्जम्पशन से क्या मुराद है, माफियां दी हुई हैं लोगों को। फिर आप जब सेकंड शेड्यूल पढ़ेंगे और उसका जब पार्ट वन जाके देखेंगे, अभी मैंने बेसिकली आपको जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दोबारा से आए देना है, एक और डिफरेंट वे में, तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा इस तरह से है। तो अगर आप सेकंड शेड्यूल को जाते हैं, उसका पार्ट वन पढ़ते हैं, तो उसमें डिफरेंट किस्म की एंटिटीज, डिफरेंट किस्म के अदारे, डिफरेंट किस्म के लोग लिखे हुए हैं जिनकी इनकम पे टैक्स है ही नहीं। यानी कि दो जगह पे उसने कानून ने लिख दिया, कुछ चीजें सेक्शन में लिख दी और कुछ चीज जाके शेड्यूल में लिख दी। अब ये हो सकता था कि उसको, अब कह लीजिए कि वो कट्ठा एक ही जगह पे लिख देता सेक्शन को, शेड्यूल को। अगर इतना आसान होता तो आप मुझसे टैक्स पढ़ने आते? बिल्कुल भी नहीं आते। आप मेरे पास कभी भी टैक्स पढ़ने ना आते। वकीलों के काम कैसे, वकीलों का काम चल रहा है, वकीलों का काम भी इस तरह चल रहा है जो बाकी, अगर सिविल क्रिमिनल के केस देख लें, कानून ऐसा नहीं है। ये मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैंने घर बनाना है, घर बनाना होता है हम फाउंडेशन रखते हैं, उसकी फिर दीवारें खड़ी करते हैं, उसका लेंटर डालते हैं, लेट्स सपोज कोई बिल्डिंग खड़ी करनी, वो तो एक सीक्वेंस है। कोई भी कानून आप उठा लें उसमें सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है? क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बस कानून दान ही जानते हैं, मतलब आप लोग मुझे ज्यादा जानते हो कि लॉ की स्ट्रक्चरिंग, मैं कहता हूँ बड़े सारे लोग होंगे वो फेल हो जाएंगे आपको बताने में कि अच्छा ये क्यों इस तरह से लिखा गया, ठीक है? लेकिन बात करने का मकसद ये है कि कानून को इस तरह से आगे पीछे करके लिखा जाता है कि वही बंदा जो उसको पढ़े और मतलब वही समझ सके। ऐसे नहीं है कि अगर ये आप सारी चीजें एक जगह पे इकट्ठी लिखी कि पहले रजिस्टर होना है, फिर इस तरह से टैक्स देना है, फिर इस रेट पे टैक्स देना है, तो आपने कहा यार हम खुद किताब उठाते हैं, हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? ये तो हो गया एग्जम्पशन वाली साइड। अब जो कंसेशन वाली साइड है, कंसेशन वाली साइड में इस तरह से है कि यहाँ पे टोटल इनकम, यानी कि जैसे मैंने कहा 15% टैक्स इन लोगों ने देना ही नहीं है, इन लोगों ने, ये वो लोग थे। इस साइड पे आके वो ये वाली बात नहीं करता कि आपने टैक्स नहीं देना, यहाँ पे वो कहता है कि आप टैक्स दोगे। मिसाल के तौर पर मैं आर्बिट्रेरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे वो अगर आप जाके सेकंड शेड्यूल का पार्ट टू पढ़ेंगे ना,
वो कहता है भाईजान आप 15% टैक्स ना दो, बल्कि इसमें ये जो लोग लिखे हुए हैं ये फला फला लोग, आप जब शेड्यूल पे जाके आप पढ़ोगे तो कहेगा कि इन लोगों ने टैक्स का इतने परसेंट कम रेट दें। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। फिर वो तीसरे लम्हे में ये भी इसको बोलते हैं कंसेशन, यानी कोई माफी थोड़ी सी, ये तो फुल माफी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर उसने आके कहा रिडक्शन इन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, जो टैक्स पेबल होता है उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे आके कहता है कि परसेंटेज की बात नहीं करता, यहाँ पे कहता है अगर आपने 100 रुपया कमाया, 100 पे 15% कितना बनता है, 15 रुपए। तो बोलता है यहाँ पे आके, एक चीज बता दूं, अरेज कर दूं, अच्छा इधर आके वो बोलता है, गिव मी अ मिनट, इधर आके बोलता है कि 15 आप ना दो, ये लाइबिलिटीज का क्या मतलब है, वो अमाउंट की बात करता है, कहता है बल्कि आप 15 के बजाय इसका 25% आपको माफ किया। ठीक है, इसका कितना माफ किया, 25%, वो बाकी जो यानी कि 75% है वो मुझे पे कर दो। यहाँ पे अमाउंट की टर्म्स में आ जाता है, यहाँ पे रेट की टर्म्स में माफी देता है, यहाँ पे फुल माफी देता है, और यहाँ पे वो कहता है कि ये वो जो चीज मैं आपको यहाँ पे कुछ कंपनियां लिख के दे रहा हूँ, इस जगह पे आके बताता है इन लोगों ने तो समझो कि फलां फलां करोड़ का जो सफर है ना इन कंपनियों पे अप्लाई ही नहीं होगा। अब मेहताब साहब बताएं आपको ये बात समझ लगी है, जी सर समझ लग या ऊपर ऊपर से कह दिया बस समझ लगी। गई। नहीं सर लग बेसिकली कल की तो आपकी सॉर्ट ऑफ इंट्रो क्लास थी, सॉर्ट ऑफ इंट्रो, जिसमें आप मुझे देख रहे थे, मैं आपको देख रहा था, थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ, आल दो हमारी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको होगा कि यार अच्छा क्या हमें क्लास लेनी है कि नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि सबसे कीमती आजकल के दौर में जो है वो टाइम है, और मेरा ख्याल है कि पैसे भी मैटर नहीं करते, टाइम ज्यादा मैटर करते हैं। वो वजह क्या कि कभी आप पैसे दे के टाइम खरीद सकते हैं ना, तो आप पता नहीं अपनी जिंदगी के कितने लम्हात को खरीद लेते हैं, आप अपने बचपन में चले जाते हैं या व्हाट्सएप। ठीक है, तो आपने बस असेस करना था कि अच्छा अब जो लोग आए हैं इसका मतलब यह है कि इनको समझ आई है, तो आए हुए हैं। आज एक्चुअली हमारी फर्स्ट क्लास है, मैंने यहाँ पे प्रियम्बल खोला है, प्रियम्बल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का प्रियम्बल है। ठीक है, प्रियम्बल से क्या मुराद होता है, किसी भी कानून के पहले सफ़े पे अटैलिक वर्ड्स में कुछ बातें लिखी होती हैं उस कानून के मुताबिक, वो बातें लिखी ये होती हैं कि ये कानून आया क्यों। ठीक है, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, इस कानून के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नंबर वन। नंबर टू, इस कानून को अप्लाई करके आप, ये अप्लाई किन किन लोगों पे होगा। ठीक है, और इसके मकासद क्या है, इन शॉर्ट अगर आप कह लें कि वो अपने मकासद कानून बता रहा होता है प्रियम्बल में। ठीक है, और वो किस चीज के मुतालिक है ये बता रहा होता है, यानी कि दो तीन चीजें, मैं बल्कि आसान अल्फाज में कहूँ, बताता है कि इसके आया है किस चीज के मुतालिक और इसके मकासद क्या है। तो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का प्रियम्बल है ये बताता है कि सबसे पहले, हाँ ये भी क्लियर करता है कि एक्ट है या ऑर्डिनेंस है। तो सबसे पहले ये हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो प्रियम्बल है ये आपको बताता है कि एक ऑर्डिनेंस है। ये ऑर्डिनेंस क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है एंड अमेंड कर रहा है। कंसोलिडेट क्या होता है, कुछ चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है, अमेंड क्या होता है कि कुछ मौजूदा चीजों को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करना। तो जब ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आया, तो इससे पहले हमारा एक कानून था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बोल रहा है कि मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ, मैं अमेंड कर रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग लॉ है 1979 का, यानी कि 2001 का कानून आके बोल रहा है पुराने कानून के बारे में कि मैं उसको कंसोलिडेट एंड अमेंड कर रहा हूँ। फिर वो आके बताता है कि ये कानून रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, इनकम टैक्स से। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज बता दूं कि ये सारी चीजें, अभी मैं पोर्टल खोलूं, डजम डजम रजिस्टर्ड करना शुरू कर दूं, आपको दिखाऊं कि अच्छा यहाँ पे ऐसे रजिस्टर्ड होता है, ये होता है, वो होता है, वो अब मेरा भाई फेसबुक से भी, आप यूट्यूब से भी आप देख लोगे, गूगल से भी आपको सारा मिल जाएगा, इधर उधर से मिल जाएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको थोड़ा सा एक आपकी डायरेक्शन सेट करके, अच्छी बुनियाद डाल के, फिर प्रैक्टिकल के लिए भी लेके आना, लेकिन मैं लॉ आपको लाजमी रेफर करूंगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है वो मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग जिसको बोरियत फील करें, वो अगर मेजोरिटी ऑडियंस कहेगी कि हमने लॉ नहीं पढ़ना, मेरा भाई फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लॉ आपको नहीं पढ़ाऊंगा। हमने पास्ट में भी प्रैक्टिस की है, हमने देखा है कि जो मतलब लॉ के बगैर चल रहे होते हैं ना, तो उनके दूसरे दिन सवाल आता है, सर ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, जब आपने लॉ पढ़ा होता है तो ऐसे क्यों किया जा रहा है, उसका जवाब आपको पहले ही मिल जाता है। जब मैं पोर्टल पे जाके आपको कुछ चीज समझाऊंगा कराऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस वजह से ये वाली चीज हो रही है। ठीक है, तो बाकी ये कि आप लॉ के बगैर चलेंगे तो आपका नुकसान है। ठीक है, क्योंकि ये होता है कि सामने बोरियत फील होती है लॉ पढ़ने से।
अच्छा जी, ये बोलता है जी ये लॉ रिलेट करता है किससे, इनकम से और उससे जुड़े हुए कुछ मामला से। नंबर वन ये बताता है कि इनकम टैक्स से मतलब उससे उससे जुड़े हुए कुछ कनेक्टिंग मैटर्स के मतलब, ठीक है। अब ये मैंने बेसिकली अपने अल्फाज में इसको थोड़ा सा लिखा है, ये अगर आप एग्जैक्टली इस चीज को आप देखें, ठीक है, तो आप इसको जाके देख लीजिएगा ऑर्डिनेंस से। मैं आपको ऐसे अगर आप कहेंगे तो खोल के भी दिखा दूंगा, उससे आपको ये समराइज ये मिलेगा कि अच्छा ये इनकम टैक्स का लॉ है, ये ऑर्डिनेंस है, ये कंसोलिडेट अमेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आप ये देख लें कि ये वाला जो कानून है, जो इनकम टैक्स की तो बात होगी, अब इनकम टैक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो कहता है इसमें हम रिटर्न की बात करेंगे, ठीक है, इसमें हम रिकॉर्ड की बात करेंगे, इसमें हम असेसमेंट की बात करेंगे, इसमें हम टैक्स ऑडिट की बात करेंगे, इसमें हम रिकवरीज की, पेनल्टीज की, अपील्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि इस कानून के मुताबिक इस तरह की बातें हो रही होंगी, इनकम टैक्स एंड उसके रेलिवेंट कनेक्टिंग जो मैटर्स हैं। हमने कहा ठीक है जी, यहाँ पे ये वाली बात इनफ नहीं थी, इसके साथ जरूरी था कि एक और हम सेक्शन को कनेक्ट करते, सेक्शन 239 को। ये क्यों मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ, इसकी एक वजह ये है कि जब ये कानून आया 2001 का, लॉ आया हमारा इनकम टैक्स का 2001 का, उससे पहले कौन सा कानून था, 1979 का था। जिस तरह से जब कुरान मजीद आया उससे पहले भी आपकी तीन किताबें नाजल हो चुकी थी। अब ये था कि कुरान मजीद ने आके, मैं अगेन इस तरह की एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि बंदे को आसानी समझ आ जाती है। आई डजेंट मीन कि मैं उन चीज़ों से अल्लाह माफ करे मुआवजा कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको समझाने के लिए होती है, कभी कोई ये ना कहे कि यार ये क्या बातें बताते हैं। तो जब ये 1979 का कानून आया, कुरान मजीद ने भी आके जिक्र किया कि हमने, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पहले भी किताबें नाजिल की, ठीक है, तो आपका उन किताबों पे यकीन होना चाहिए कि किताबें आई थी। तो इस तरह से 1979 का कानून, 2001 का कानून आके बता रहा है कि मेरे से पहले भी एक कानून था, वो 1979 का कानून था। तो ये जो सेक्शन 239 आया, मैं बल्कि इससे पहले एक बैकग्राउंड में जाता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कोई भी मुआशरे के अंदर मैटर अराइज होता है, ठीक है, उसमें ये होता है कि उससे पहले देखा जाता है क्या उसके मतलब कोई कानून मौजूद है कि नहीं है। यानी कि मैं एक बात बताता हूँ कि वो जब जैनब वो बेचारी बच्ची जो थी उसका रेप हुआ, ठीक है, उसके बाद जो उसका वो मैं क्या कहूँ कि वो जो अक्यूज या अल्लाह माफ कर लानती आदमी जो भी था, ठीक है, तो उस बंदे को अब सजा देनी थी, तो रेप के मतलब हमारा कोई कानून मौजूद नहीं था। अब ये दो चीजें हो सकती थी, होता तो उसको वो फौरी हैंग कर देते, ना होता तो नया कानून आता, तो उन्होंने नया कानून बनाया, ठीक है। अब नया कानून जब आता है, नॉर्मली सारे कानूनों की एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिव होती है, यानी कि आज एक कानून आएगा ना तो आगे की तरफ उसकी एप्लीकेशन होगी, आगे की तरफ वो लागू होगा, पीछे की तरफ कभी लागू नहीं होगा। हाँ, पीछे की तरफ उस वक्त लागू होता है जब कानून के अंदर लिख के बता दिया जाए कि ये फलां डेट से पीछे से भी अप्लाई होगा, तो उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक हो गया। अब जब कोई कानून नया आता है तो उसके मतलब कोई पुराना कानून हो तो नया कानून क्यों लाएंगे जब पुराना कानून मौजूद है, क्योंकि पुराने कानून में कोई ना कोई खामियां हैं, नकायस हैं, उनको दूर करने के लिए नया कानून आएगा। यानी कि 1979 के कानून में कुछ मसले थे जिनको बेटर अंदाज में 1979 के कानून ने प्रेजेंट किया, ठीक है, और 2001 के कानून ने प्रेजेंट किया। ये वाला जो कानून है, इंटरेस्टिंग नहीं, शायद आपको पता हो कि ना पता हो, ये वाला कानून 2001 का हमें एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर ने लिख के दिया था, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया वालों की इंग्लिश भी माशाल्लाह हमारी तरह होती है, बल्कि हमसे भी कई गुजरी होती है, आपको बड़ी जगह पे वो समझ नहीं आएगी कि यार अजीब अजीब किस्म की लिखी हुई होंगी चीजें, अंग्रेजी कोई थोड़ी अच्छी नहीं है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हम समझते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 239 सेक्शन आया ना, तो इस सेक्शन ने हमें पुराने कानून के मतलब चंद बातें बताई। क्या इसने बातें बताई, इसने कहा जो असेसमेंट फॉर द ईयर एंड ऑन और बिफोर 30 जून 2001 रिपीट होते हैं, उसने कहा कि 2002 से पहले की जो 30 जून 2002 से पहले की सारी रिटर्न है वो रिपील्ड ऑर्डिनेंस जिसको मैंने आरओ लिखा है उसके मुताबिक सबमिट होगी। यानी कि कानून आपका आ गया था 2001 में, ठीक है, और ये जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ था उसके तकरीबन 6 दिन बाद हमारा कानून आ गया था, पब्लिश हो गया था, तो लेकिन इसकी एप्लीकेशन कब हुई थी, 1 जुलाई आपके 2002 के बाद, ठीक है, लेकिन 2002 तक अभी कानून आया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा अप्लाई इसने बाद में होना है, यहां तक पुराना कानून आप फॉलो करो। ये किसने बात बता दी कि हमारी बात तो पुरानी थी, खत्म हो चुकी, लेकिन इसमें जो अहम बात थी वो ये वाली थी, इसमें जो अहम बात थी वो थी दिस वन, एक मिनट,
अच्छा इसमें अहम बात थी हमारी, अल्लाह आपका भला करे, वो थी 239 का 9 एंड 239 का 10, ठीक है। अब ये किस चीज के मुतालिक है, ये हमारा सेक्शन बताता है, एक चीज याद रख लें कि कल हमने डिस्कस किया था सर्कुलर, सर्कुलर लेटर्स, ठीक है, आपको याद होगा। अब वो क्या चीजें थी आप पढ़ के आए हैं, उम्मीद है। तो ये इस सेक्शन में आके बताया मौजूदा कानून के सेक्शन 239 कि जो पुराने सर्कुलर एंड सर्कुलर लेटर थे वो स्टिल अप्लाई होंगे नए कानून के आने के बाद भी, यानी कि कल को कोई आपके जैसा फनकार आदमी उठ के खड़ा ना हो जाए और वो ये बोले कि यार वो तो पुराने थे, ठीक है, अब नए वाले जो हैं वो अप्लाई करें कि ना करें, ठीक है, नए वाले कानून में क्या उनकी एप्लीकेशन है कि नहीं है। तो इस सेक्शन 239 के सब सेक्शन 9, 10 में आके बोला सर्कुलर एंड सर्कुलर लेटर जो पुराने रिपील आरओ ऑर्डिनेंस के तहत इशू हुए हैं वो प्रोटेक्टेड है, वो महफूज है, वो अप्लाई होते रहेंगे। अगर वो इनकंसिस्टेंस ना हो, एक कंडीशन रख दी, यानी कि मौजूदा कानून कोई और बात करता है, पुराना कानून और कोई बात करता था, देन उस ऑर्डिनेंस जो सर्कुलर या सर्कुलर लेटर को गोली मारो, यानी कि वो सर्कुलर या सर्कुलर लेटर उस वक्त जा रहा है वो एप्लीकेबल होगा जब वो मौजूदा कानून और पुराने कानून के अकॉर्डिंग सिमिलर चीज की बात करता है, एक जैसी बात करता है। ये हो सकता है ना पुराने कानून में कोई और बात हो, नए कानून में कोई और बात हो, पुराने कानून के किसी मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए एक सर्कुलर आए और मौजूदा कानून में वो बात किसी और तरह से हो। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर सेक्शन 239 का 12 आके बताता है कि जो नोटिफिकेशन या एसआरओ जारी हुए थे, यानी कि ये वाला सेक्शन सब सेक्शन आपका बात कर रहा है सर्कुलर सर्कुलर लेटर की, और ये वाला जो आपका सब सेक्शन ये आके बात करता है नोटिफिकेशन एंड एसआरओ की, ये कहता है जो पुराने जारी हुए होंगे वो कंटिन्यू करेंगे अनलेस कि उनको रिपील कर दिया जाए या मॉडिफाई कर दिया जाए, वरना वो भी अप्लाई होते रहेंगे। जी यहां तक आपके प्रियम्बल तक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज स्पीक। सर, ये कानून जो पहले 1979 में थे, तो ये अभी भी है? यानी ये इनको विड्रॉ किया हुआ है अभी? मेरी जान, जब नया कानून कोई भी आता है ना किसी पुराने कानून की जगह पे, तो पुराने कानून को खत्म कर दिया जाता है, फिर इसलिए उसको बोलते होते हैं मंसूख शुदा कानून, रिपील्ड ऑर्डिनेंस। मेरे दोस्त समय लगी कि नहीं, जी सर, लगी है समझ। थैंक यू। अगर इसका आपके घर में, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा? जी हाँ, इसमें नहीं था, बिल्कुल इस कानून में नहीं था। सर, एक जैसे आपने अभी कहा है कि जब भी जो पिछला कानून होगा जैसे 1979 और नया ऑर्डिनेंस आ गया 2001, जो इसमें 239 में जैसे आपने कहा कि पिछले अगर कोई हम मॉडिफाई करेंगे तो वो सिमिलर होना चाहिए, कोई न्यू चीज नहीं आनी चाहिए। नहीं, मेरी जान आप गलत समझे हो, आप गलत समझे हो। उसने कहा सर्कुलर अभी भी जारी होते हैं, एसआरओ अभी भी जारी होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अभी ये कानून फॉलो हो रहा है 2001 का, कल को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या इनकम टैक्स एक्ट आ जाता है मिसाल के तौर पे, अगले साल जो नई गवर्नमेंट बनती है वो कहती है इस कानून में इतनी खामियां हैं, दफा कर नया कानून बनाते हैं, इनकम टैक्स एक्ट न्यू आ गया, ठीक है। आज जो आज हम पढ़ रहे हैं, अभी एसआरओ भी होंगे बड़े सारे, ठीक है, सर्कुलर भी बड़े सारे होंगे, ये आई होप आप पढ़ के आए हुए हो, अगर पढ़ के नहीं आए हो तो फिर आपको नहीं समझ आएगी कि वो जो सर्कुलर या सर्कुलर लेटर जारी हुए हुए हैं ना जो किसी मैटर को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो वाले मैटर्स कल नए कानून आने के बाद क्या वो खत्म हो जाएंगे सारे एसआरओ, या वो नए कानून पे अप्लाई होंगे, ये इस चीज की बात हो रही है। यानी कि जो हमारे एसआरओ ऑलरेडी इशू हुए हुए हैं, ठीक है, वो भी कंटिन्यू रहेंगे, जो न्यू आते हैं वो भी कंटिन्यू रहेंगे, ये कहना ठीक है। और सर, ये जो नीचे आपने मॉडिफाई की बात है 239(12) में, जो हमारे एसआरओ होंगे उनमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें कोई मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जो चीज़ हम मॉडिफिकेशन करेंगे जो पॉइंट वो अप्लाई मॉडिफिकेशन होगी। को हम वो अप्लाई हो जाएगा, जो पीछे एग्जिस्ट कर रहा था वो रिमूव हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली जैसे अब लाइक 7E की बात थी, जो सेक्शन हाँ, 7E इंट्रोड्यूस हुआ था। नहीं 7E तो न्यू इंट्रोडक्शन थी, वो हाँ मॉडिफिकेशन नहीं जी, थी, ये तो न्यू लॉ में न्यू इंट्रोडक्शन थी। इंट्रोडक्शन थी, ठीक है, जी जी ये बिल्कुल एसआरओ की बात हो रही है, सर्कुलर की बात हो रही है, ठीक है, सर्कुलर लेटर की बात हो रही है। अली साहब, ये जो आप पूछ रहे हैं कि कंसोलिडेटेड ऑर्डिनेंस से क्या मुराद है, पुराने कानून को उठा के उसमें उसको भी वो कह रहे हैं मैं अपने साथ कंबाइन कर रहा हूँ, मतलब कि ये पूरा इंटायर इन्होंने लॉ नया नहीं बनाया था, कुछ पुराना लॉ कॉपी किया, कुछ नया उसको मिला जुला के, ठीक है, तो इन्होंने किया।
अब ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कल कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 242 सेक्शन है, और बेसिकली सेक्शन को एक दफा छोड़ दें, इस अंदाज से भूल जाएं 242 सेक्शन को, ये तो है बेसिकली आपका जो पूरा कानून है ना। जैसे मैं एक मिसाल दूं, आपके कुरान की मनाजिल हैं, ठीक है, सात मनाजिल हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने आके हमें क्या किया है कि चैप्टर्स बना के दे दिए। उसने कहा आपके चैप्टर्स हैं, हमने कहा भाई कितने चैप्टर्स हैं। अब चैप्टर्स के आगे अंदर सेक्शन लिखे होते हैं, सेक्शन ऐसे सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, लेकिन उसने कहा मेन अगर मैं कानून की इस किताब को, इनकम टैक्स लॉ को इसके हिस्से बनाऊं तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं। मैंने कहा ठीक है 13 चैप्टर। उसने कहा हर चैप्टर के अंदर आगे हिस्से बनाए हुए, उसको पार्ट्स बोलते हैं। मैंने कहा आगे पार्ट्स के भी आगे कुछ है। उसने कहा हर पार्ट्स को आगे मजीद मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं डिवीजन में करार करूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अच्छा फिर शेड्यूल का भी कुछ बताओ। उसने कहा शेड्यूल के आगे भी पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स के आगे डिवीजंस होती हैं, ठीक है, यानी क्योंकि हम पूरा कानून पढ़ रहे हैं, सिर्फ अभी ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, मैं अभी रूल्स की बात नहीं कर रहा। यानी कि अगर इसको मैं वैसे कानून में जाके दिखाऊं तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि पूरे कानून को स्किम करना जरूरी है। ओ भाई जोगी साहब, आपको कोई सांप सांप तो नहीं आपको नजर आ गया कि आपको आवाज नहीं आ रही? बेसिकली आप वो थोड़ा सा रिज्वाइन करें या इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, और ये नाम मैं ऐसे थोड़ा आपको वो मजाक में कह रहा हूँ कि अपना आप नाम रखा करें ताकि आपको मैं अपने नाम से याद करूँ, ठीक है, और आपको नाम से एड्रेस किया जाए। अच्छा, बजाय कि इस चीज को बोरिंग सा हम समझें, हम ऑर्डिनेंस को थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने नाम से ज्वाइन किया करें, और ऑनवर्ड क्लासेस में जब आप लोगों को पोर्टल की एक्सेस दे दी जाएगी तो वो बंदे को ये कॉलेज वाले रिमूव कर देंगे जो अपने नाम से नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बकायदा ये रोल नंबर वगैरह आपको अलॉट करेंगे। तो जूम मीटिंग पे जो बंदा से जोगी आ रहा होगा ना, जोगी को फिर ये फॉगी कर देते हैं। सॉरी सर फॉर डिस्टर्बेंस। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम इनकम टैक्स को पढ़ रहे हैं, मोस्टली मैं टैक्स का ही काम करता हूँ, टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। सबसे पहले ये है कि लोग पूछते हैं कि हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है किस लिए इम्पोर्टेंट है, कि हमें फाइल क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें हम बहसीते मतलब ये कह लें कौम, हम हर चीज को करने के लिए एक बेनिफिट सोचते हैं कि हमें कोई बेनिफिट हो, ठीक है, ये बिल्कुल जहर है। अगर हमें कोई बेनिफिट होगा तो हम वो काम करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज को आप एक साइड पे रखें, सेक्शन 114 मैंने आपको बढ़ाना है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो बताता है कि किस किस बंदे ने रिटर्न फाइल करना और उसके लिए मैंडेटरी है। वो तो बेनिफिट देखेगा ही नहीं उसको तो। अच्छा क्वेश्चन पूछने के बाद आप अपने आप को म्यूट कर लिया करें ताकि वो डिस्टॉर्शन ना रहे, सुना करें। अच्छा समीना आपका माइक मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट ये ना रिकॉर्डिंग में फिर मसला आता है तो म्यूट कर लिया करें अपने आप। अच्छा सेक्शन 114 ने कुछ लोग की लीगल ऑब्लिगेशन लगा दी कि वो लोग रिटर्न फाइल करेंगे ही करेंगे, वो उन लोगों ने तो बेनिफिट पूछना ही नहीं। आप उनको बता दो कि कानूनन आप पे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि आप रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है, वो सेक्शन आपको मैंने बढ़ाना है इंशाल्लाह जब आगे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो बात कुछ लोग में लाजिम नहीं है, उनको तो लाजमी तौर पर फिर बेनिफिट देखना होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं मैंने प्रॉपर्टी बाय करनी है, आप खुद लोग समझदार हो गए, नॉन फाइलर है, जिसको अभी नॉन फाइलर तो नहीं मैं कहूँगा, इनएक्टिव है ATL में, ठीक है, तो वो कहेगा बल्कि आपके लिए फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट अभी देखते हैं, आगे जाएंगे बेहतर करेंगे। अच्छा एक बंदा है जो बंदा बोलता है कि भाई जान मैंने क्या किया है, मैंने प्लॉट बाय करना है, क्या मैं रजिस्टर कराऊँ कि ना कराऊँ? बसानी हम उसको कहेंगे यार रजिस्टर करवाओगे तो आप पे वो टैक्स जो है 4% है, नहीं करवाओगे तो 7% है, ठीक है, यानी कि उसको हमने फिर बेनिफिट की वजह से रजिस्टर करना, ठीक है, यानी कि आप फिर लोगों को दो कैटेगरीज में ले जाएं, एक वो जिन पर बाय लॉ मैंडेटरी है और एक वो जिनको बेनिफिट लेना, ठीक है, उनको, वरना नहीं, ठीक है। और आप कहें ना कि ऐसे में किसी को पकड़ के रजिस्टर कर दूं तो मेरा ख्याल है कि आप उस बंदे के साथ भी जाती कर रहे हैं, बस आप फिर पैसे कमाना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगर वो बेनिफिट याद रखिएगा, Once you obtained the NTN and you got registered with the FBR, तो सेक्शन 114 उसका सबसेक्शन 1 उसका सबसेक्शन B उसकी क्लॉज 8 बोलती है कि आप लोग पे मैंडेटरी हो जाता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करना ही करना है।
आपने मैंने तो प्लॉट ले लिया था, अब मेरे लिए मैंडेटरी नहीं रहा, वो प्लॉट था इसलिए मैंने रिटर्न फाइल की थी ना मेरे बच्चे, अब आप रिटर्न फाइल करने ही करने। ठीक है, नहीं भाई ऐसे कोई इफेक्टिव मैं आपको कंसोलिडेटेड कोई सर्कुलर का कोई ऐसा नहीं दे सकता, लेकिन आपको जब भी सर्कुलर होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कब इशू हुआ, उस पर डेट भी आ रही होती है और सारी चीज़ें किस मैटर के मतलब क्या वो भी आ रहा होता है। मेहताब साहब मैंने जो कल की क्लास के नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए थे, आज की क्लास के नोट्स अभी क्लास के बाद इंशाल्लाह आज की क्लास के फौरी बाद शेयर कर दी। अच्छा जी, ये देखिए चैप्टर वन, यानी कि मैंने आपको कहा था चैप्टर 13, चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर वन में 3 सेक्शन है, चैप्टर टू में ये कुछ सेक्शन आ जाएंगे, यानी कि ये आपके नहीं है कि फलां चैप्टर में इतने सेक्शन है। अगर आप माशाल्लाह से इतना याद करना चाहते हैं कर लें, लेकिन आपको ये पता लग गया कि चैप्टर वन के अंदर ये कितने आपके अंदर सेक्शन मेंशन है। ठीक है, इस तरह अगर हम मूव ऑन करते जाएं तो आप देखेंगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ चैप्टर मैंने आपको बोले, लेट्स सपोज ये 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब 13वें चैप्टर के अंदर कितने सेक्शन है वो आपने देख लिए। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा था हर चैप्टर के आगे अगर उसको जरूरत महसूस होती है तो उसके पार्ट्स बना देते हैं। मिसाल के तौर पर चैप्टर 10 को खोलते हैं, ये डील करता है प्रोसीजर को। ठीक है, प्रोसीजर किस चीज़ का रिटर्न था। ठीक है, आप कहें कि आपने तो कहा था प्रोसीजर जो होता है वो तो रूल्स में होता है, लॉ में नहीं होता। भाई जान ये लीगली प्रोसीजर को थोड़ा सा डिस्कस करेगा, लेकिन इफेक्टिव जो स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर होगा वो रूल्स में ही होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसका जो चैप्टर आपका पार्ट वन है वो किसको डील करता है, रिटर्न को। इसी चैप्टर का जो पार्ट टू है वो असेसमेंट को डील करता है। इसी चैप्टर का पार्ट थ्री अपील्स को डील करता है। ठीक है, इसमें उसको मजीद जरूरत पेश नहीं आई कि वो डिवीजन बनाए। ठीक है, हाँ इस चैप्टर पे अगर आ जाए, हाँ इसमें आ गया, आके उसने कर दिया। जब उसने पार्ट फोर किया, पार्ट फोर में उसको महसूस हुआ कि यार मुझे एडवांस टैक्स टैक्स पेयर के लिए अलग बताना है और कलेक्टिंग एजेंट के लिए अलग बताना है, फलां बंदे के लिए अलग बताना है। अपेरेंटली कोई भी बंदा आपको जब एडवांस टैक्स की बात करेगा तो आपने जब उसको बताना होगा आप कहोगे चैप्टर 10 उसका पार्ट फोर और उसका आगे डिवीजन वन डील करता है टैक्स पेयर के मतलब क्या, उसकी डिवीजन टू कलेक्टिंग एजेंट के बारे में बात करती है, डिवीजन थ्री फलां चीज के बारे में बात करती है। ये मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, कानून का। मुझे ये बताएं कि ये वाली बात अभी स्लाइड्स पे वापस हम मूव करते हैं, ये वाली जो चीज हम बोल रहे थे कि सेक्शन में आगे चैप्टर्स होते हैं, आपके टोटल सेक्शन इतने हैं, यहाँ तक एक दफा इसको फुल स्टॉप करके देखें, यहाँ तक यानी कि ये सेक्शन है, फिर आगे हमने कहा एक्चुअली चैप्टर्स हैं, चैप्टर टोटल है 13। ठीक है, हर चैप्टर के आगे उसको जरूरत महसूस हुई, पार्ट्स मारे जरूरत महसूस हुई, फिर चैप्टर में सारी बात डिस्कस कर दी, यानी कि उसने आगे फिर उसको पार्ट्स में भी लेके गया, डिवीजंस में भी लेके गया, यानी कि चैप्टर के आगे उसको जरूरत महसूस होगी पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट्स के आगे जरूरत महसूस होगी डिवीजन बनाएगा, इस तरह शेड्यूल के भी आगे उसको जरूरत महसूस होगी पार्ट्स होंगे, पार्ट्स के आगे डिवीजन होंगे। क्लियर है जी? अच्छा, अगर इसमें मैं चैप्टर आपको ये बढ़ाऊंगा नहीं, ये नोट्स पे बस लिखे हुए हैं कि चैप्टर वन फलां को डील करता है, चैप्टर टू फलां को डील करता है, चैप्टर थ्री फलां को डील करता है, ये रीडिंग करवाना तो फिर बेवकूफ़ी है। ठीक है, ये चैप्टर 13 के 13 यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन सा चैप्टर किस चीज़ को डील करता है ये मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा। ठीक है, मैं को यह धीरे धीरे हैं तो मैं को बोला ये धीरे मैंने इन्हें को ट्रेन आप करे सा इन्हें को 15 साल है सियासी का। अच्छा जी, क्लियर है जी यहाँ तक? भाई ये थोड़ा सा उंगलियों को तकलीफ देके लिखे। अच्छा, ये साहब कह रहे हैं कि आवाज स्लो है, वाकई में आवाज स्लो है भाई? चले, बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने टाइप किया और जिन लोगों ने नहीं किया उनका आज शुक्रिया नहीं, कल उनका भी शुक्रिया था। चले, अच्छा जी, बाकी इसके शेड्यूल में कुछ 14 शेड्यूल हैं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एवरी शेड्यूल। ये मैं फर्स्ट शेड्यूल का आपको थोड़ा सा बताऊंगा, सेकंड शेड्यूल का बताऊंगा। ठीक है, अच्छा सुमीना, आपको ये चीजें मैंने तो इतनी मुश्किल बताई नहीं है, सुमीना आप बताइए इसमें कंफ्यूजन क्या आ रही है। मैं अगेन कहूंगा पोर्टल बढ़ाना मेरे लिए बड़ा आसान है, उधर मैंने बस खाना पूरी करनी है, ये खाना, ये फॉर्म, ये ऐसे। कानून की अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरी है। सुमीना टाइप करके बताएं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। चले, खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो भी रेट्स हैं, फलां चीज इतना रेट होगा,
फलां चीज पे इतना रेट होगा। सईद खान मुझे सही साहब मुझे भूख लगी है, ऑफर ही कर देता है यार बंदा कोई। चले अच्छा जी, अच्छा इसको सुमीना आप सुनिएगा, मैं कहता हूँ मैं बाकी जो लोग बड़े सीनियर्स भी बैठे हुए आप उनसे पूछ लीजिएगा, बड़े सारे लोग मुझसे सीनियर्स होंगे तो अल्लाह के हुक्म से ये कहने कि उनको आइडिया है कि मैं किस तरह से बढ़ा रहा हूँ आई होप, और आप इसको थोड़ा समझेंगे तो ये आपके लिए वर्थफुल चीज है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बेकार चीजें बढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट शेड्यूल रेट ऑफ टैक्सेस को डील करता है कि प्रॉपर्टी पे क्या टैक्स होगा, सैलरी वाले पे कितना टैक्स होगा, फलां बंदे पे कितना टैक्स लगना है, इम्पोर्ट्स पे कितना टैक्स है। यानी कि कानून में अब ये होता है कि ये 242 सेक्शन में अगर वो सैलरी वाले की बात करता तो वो सैलरी वाले की बात उसकी सैलरी वाले सेक्शन में टैक्स का रेट लिख देता। अगर मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि मेरे पास अगर कोई एसेट है प्रॉपर्टी है मैं उसको सेल करता तो वो जो प्रॉपर्टी का सेक्शन है उसके अंदर सेल टैक्स का रेट लिख देता, वो सेल टैक्स इनकम टैक्स का रेट लिख देता। इस तरह तो कानून बड़ा अजीबो गरीब हो जाता, वो मतलब फजूल सी चीज बन जाती, खिचड़ी बन जाती। वैसे तो आपको लग रहा है कि नहीं आप ऐसी बातें कर रहे हैं लेकिन वो इतना मजे का ना होता। अब उसने क्या किया, वो कहता है फलां शेड्यूल के फलां डिवीजन में ये रेट लिखा हुआ है, यानी कि सारे रेट्स को उठाया उसने फर्स्ट शेड्यूल में जाके डाल दिया। मैं ये फर्स्ट शेड्यूल को आपको खोल के दिखाता हूँ, यानी कि उसने सारे रेट्स को इकट्ठा करके फर्स्ट शेड्यूल में लिख दिया। चलो इसको हल्का सा हमें शेड्यूल को देखेंगे थोड़ा सा अफाका होगा, चले हम फर्स्ट शेड्यूल को। मैंने आपको बताया था जहां पे आपके सेक्शन खत्म हो जाते हैं उसके आगे आपका शेड्यूल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट शेड्यूल का हम सर्च करें, ये देखें बार बार फर्स्ट शेड्यूल की बात करेगा, उसका पार्ट वन रेट ऑफ टैक्सेस को डील करता है, ठीक है। आगे उसकी जैसे हमने कहा था पार्ट्स के आगे जरूरत महसूस होती है उसकी डिवीजन उसने बना ली। डिवीजन वन उसकी किसको डील करती है, इंडिविजुअल के लिए रेट ऑफ टैक्स क्या है। इंडिविजुअल से क्या मुराद, अभी मैंने पर्सन की डेफिनेशन आगे चल के बढ़ानी है फ्यूचर में। इंडिविजुअल से मुराद है मैं आप ये लोग जो खाते पीते हैं, जैसे सईद भाई खा पी रहे हैं, सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्सन का जब वर्ड वो यूज करता है तो पर्सन से मुराद इंसान नहीं है। यहाँ पे उसने अपनी एक डेफिनेशन बनाई हुई है, पर्सन को उसने एक बॉक्स बनाया है, पर्सन के बॉक्स के अंदर ना उसने इंडिविजुअल को भी डाल दिया है, उसने पार्टनरशिप को भी डाल दिया है, उसने कंपनी को भी इंडिविजुअल बोला है, उसने गवर्नमेंट को भी इंडिविजुअल बोला है। ये वाली चीज सेक्शन 80 में जाके कभी फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी खैर हम चलते हैं कि ये वाली चीज थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाए। अच्छा ये देखें फर्स्ट शेड्यूल आ गया, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट वन ये किसको डील करता है, रेट ऑफ टैक्सेस। अच्छा रेट ऑफ टैक्स को देखना होगा था, मैं रुको डिवीजन बता दूं। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, आई एम स्टडिंग फ्रॉम द बेयर लॉ, मैं आपको एक सीए इंटर की आसान सी एक बुक शेयर करूंगा जो आईकेएफ की बुक है, उसमें हर चीज को इतना वो आप इस तरह शायद नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन वो जो जो कनेक्टिंग सेक्शन होंगे उसने साथ जोड़ के लिखे हुए होंगे, सादा सादा उसने एग्जाम्पल्स भी दी होंगी, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, आपने उस कानून को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जब बेयर लॉ में आप पढ़ेंगे तो जब भी एक लाइन लगी हो जैसे ये लगी हुई है आपने देख लिया तो ये आपने याद रखना है बेसिकली कानून इतना हुआ है, बाकी ये चीज एक्सप्लेनेशन है, कोई चीज ऐसी है इसको कहते हैं फुट नोट। ये जो फुट नोट में ये चीज लिखी हुई है ना, ये कोई ऐसी चीजें हैं जो पहले थी अब डिलीट हो गई, या ये पूरी हिस्ट्री होती है उस सेक्शन की। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहता है वन, देखो जाके मैंने वन आके देखा, कहता है डिवीजन वन सब्स्टिट्यूटेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2019 सब्स्टिट्यूटेड डिवीजन वन वन रेड एज फॉलोज, कहता है कि ये यहाँ पे एक डिवीजन होती थी, पहले एक कानून था या कोई ऐसे रेट थे जो 2019 में टैक्स या 2020 में इस तरह के थे जो अभी डिलीट हो गए हैं ये वाले, ठीक है। इसको हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको बताना इसलिए जरूरी है कभी फ्यूचर में आप ये वाली चीज 2019 का कोई आपके टैक्स क्लाइंट का नोटिस आया था तो आपको पता चल जाए कि अच्छा ये पहले ये रेट ये होता था। अब ये बात करता है, अब इससे आगे जो कानून है अगले सफे पे स्टार्ट होगा, यानी कि फुट नोट के बाद जो बात होती है फिर अगले सफे पे जाना होता है। ये मैं अगले सफे पे गया, एक मिनट मुझे क्लोज करके भी ओपन करने दे। अच्छा जी जब मैं अगले सफे पे गया तो आपने फिर देखा, फिर उसने आगे ये लाइन लगा दी और नीचे ये चीजें लिख दी। इस पेज पे कानून सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, कहता है मैं रुको आपको बताऊं कि इंडिविजुअल इंसानों के लिए और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए रेट क्या होता है। यानी कि फिर फर्स्ट शेड्यूल आसान अल्फाज में आप पढ़ेंगे, आपको मैंने एक ओवरव्यू देना था कि अच्छा जी इसमें सारे रेट्स लिखे हुए हैं कैसे आप पढ़ेंगे,
आप पढ़ लीजिएगा ठीक है। आई होप कि आप इतने माशाल्लाह मेच्योर समझदार हैं। अभी ये देखो यहाँ पे भी लाइन जब तक नहीं आएगी मैं कहूंगा अभी ये कानून चाहता है, यहाँ तक कानून चाहता है ठीक है। तो एक आपको इशारा देना है, आपको रास्ता दिखाना है कैसे चलना है। तो बताएं ये वाली बात क्लियर हुई आपको? सर एक चीज बताइएगा, जैसे हम ऑर्डिनेंस में देखने हैं इंडिविजुअल और एओपी के जो स्लैब रेट है वो एक जैसी है, कंपनी का डिफरेंस आ जाता है ठीक है, तो फिर हमने इंडिविजुअल्स और एओपी में बीच में स्लैश क्यों रखी हुई है? एओपी से हम ये मुराद लेते हैं कि अगर उसने कोई पार्टनरशिप है कंपनी रजिस्टर्ड है मेरी उनको हम जहां एओपी ले पे लेते सिर्फ रेट्स उसने अलग एक जैसे रखे हैं ना, तो डिफरेंट जगहों पे जाके वो कहता है कि फलां बंदा एओपी जो है ना वो सैलरी नहीं ले सकती ठीक है, कोई और कोई होगा मतलब इंडिविजुअल होगा वो एक एक्सपेंस मैनेज कर सकता है, लेट्स सपोज एओपी ये नहीं कर सकती। आप सिर्फ प्रॉफिट को आके देख रहे हैं कि प्रॉफिट पे ये टैक्स लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो कैलकुलेशन होनी है वो तो इंडिविजुअल एओपी की अलग है। उजैर साहब जी जी सर, वो मैं यही बात करूं कि एओपी से मुराद हम ये ले ना कि वो पार्टनरशिप पे कोई बिजनेस रजिस्टर किया हुआ है, वो इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल तो वही है जैसे सैलरी पर्सन हो गए, उन्हीं को ही हम इंडिविजुअल्स मेरे कहते प्यारे हैं। दोस्त, पार्टनरशिप पे भी डिटेल लेक्चर होगा, सोल प्रोप्रेटर पे भी होगा। अभी मैं हल्का से बता के ना सीधा आपको जंप करवाना है, मैंने पोर्टल पे लैंड करवाना है, आईआरएस पोर्टल मैंने आज डिस्कस करना है ठीक है। तो ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैंने इसी से आगे स्टार्ट करना है कि आपने एनटीएन कैसे लेना है, मेरा अपना एक थोड़ा सा तरीका बढ़ाने का, तो इसलिए मैं एक सीक्वेंस में लेके जा रहा हूँ। ठीक है फर्स्ट सर, शेड्यूल आप जब एंड तक मेरे साथ थोड़ी दो चार क्लास और लेंगे ना, आप समझ जाएंगे कि यार सही बंदा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा ठीक है। सर जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ वो ये जो स्कूल प्रिपेयर होते हैं वो इंडिविजुअल्स के होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होते हैं वो पार्टनरशिप के जी जी लिए होते बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा जी सेकंड शेड्यूल कल मैंने आपको बताया था ये एग्जम्पशन एंड कंसेशन को डील करता है, पार्ट और जो फर्स्ट शेड्यूल है रेट्स ऑफ टैक्सेस को डील करता है, अगले वाले शेड्यूल बैंकों के लिए ये है, फलां कंपनी के लिए ये है, वो शेड्यूल मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहें तो आप माशाल्लाह से पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे आपको इश्यू आएगा भाई हाजिर है ठीक है। मुझे आपने पूछना है कि यार हमें ये समझ नहीं आ रही, आई शैल बी देयर फॉर यू ठीक है, तो पूरा कानून मैंने आपको रास्ते दिखाते जाना है बस। अच्छा जी आज हम जाते हैं जी एफबीआर के साथ हमने रजिस्टर्ड होना, अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हम कहते हैं आप अपने आप को जी, तो ईसा मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैंने आपको बेसिकली गुर बताने हैं, मैंने आपको फिश नहीं देनी, मैंने आपको फिश पकड़नी सिखानी है, मेरा एजेंडा ये है कि आप वो चीज खुद करें, हलवा बना के ना दो, आपको हलवा बनाना सिखाऊं ये कैसे बनाना है, और ये आपको ऐसा सा नजर भी आ रहा है, वरना मैं आपको फर्स्ट शेड्यूल ये है, मैं साथ साथ आपको लॉ पे लेके जाता हूँ ताकि आपको खुद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आप गेन कर रहे हैं ना चीजों को? हाँ अच्छा जी आप एफबीआर के साथ अपने आप को रजिस्टर करने जा रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि एनरोलमेंट अपनी करवाने जा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि मेरी फलां कॉलेज में एनरोलमेंट होगी है, फलां जगह पे मैंने एनरोलमेंट करवा लिया ठीक है। इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, इन तीनों चारों, या फॉरेन को नेशनल हो, इन सारे लोगों को आप ये कह लें आसान अल्फाज में, कानून सबको अगर कवर करना हो ना, एक नाम देना हो, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है आसान अल्फाज, मैंने खोल के लिख दिया, कानून इन सारी चीजों को एक ही बोलता है सेक्शन 80 में जाके, वो कहता है पर्सन, क्या बोलता है? पर्सन पर्सन, यानी कि आपने वो कानून ने सारे, वो कहता है मैं क्यों एक एक चीज को बार बार लिखूं, इंडिविजुअल पे ये होगा, फलां कंपनी में भी ये सेक्शन लगेगा, पार्टनरशिप पे भी ये लगेगा, कहता है रुको मैं वर्ड यूज करूंगा पर्सन, जब वो कहे पर्सन आपने समझना कि ये इस पे अप्लाई होता है ठीक है। कहते हैं शैल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड, कहते हैं एफबीआर के साथ एक बंदे को रजिस्टर्ड माना जाता है जब वो क्या करवा ले, एनरोलमेंट एनरोल्ड करवा ले अपने आप को आईआरएस पोर्टल पे ठीक है। आईआरएस पोर्टल पे एनरोलमेंट करवा लोगे तो मैं मान लूंगा कि आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया ठीक है। बेसिकली ये तो मैंने कोई लॉ तो आपको नहीं पढ़ा रहा, ये तो मैं आसान से कोई वर्डिंग आपको कोई से अपनी वो लिख के दिखा रहा हूँ, मैं आपको लॉ भी अभी दिखाऊंगा, ऐसे नहीं है कि कोई बंदा ऐसे मुंह उठाए और वो कहे कि अच्छा एनरोलमेंट करवा ले, क्यों करवाएं भाई, जो कोई भी फिजिकल लॉ होता है, बल्कि फिजिकल नहीं कोई भी लॉ होगा तो देर शैल बी लेजिस्लेशन बिहाइंड दैट लॉ, अगर लेजिस्लेशन नहीं है तो वो कानून नहीं है फिर ठीक है। अच्छा जी अब एनरोलमेंट के लिए एफबीआर के लिए आप क्या करते हैं, जब आप एनरोल करवा लेते हैं तो एफबीआर आपको एनटीएन देता है ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर देता है। साल 2015 के बाद इंडिविजुअल्स के लिए
यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं जैसे उदैर साहब हैं जो इंसान है, इन लोगों के लिए जो आप ये कह लें नेचुरल पर्सन है, इन लोगों के लिए जो इनका सी एन आई सी है इशूड बाय नादरा वही इनका एन टी एन माना जाता है, वही इनका एन टी एन माना जाता है। ये वाली बात भी कानून में लिखी हुई है, अभी दिखाऊंगा। अच्छा, और इनका जो 13 डिजिट का एन आई सी है उसको आप एन टी एन के नंबर पे इनपुट करो। लेकिन जो कंपनियां हैं या पार्टनरशिप्स हैं इनके लिए 7 डिजिट का एन टी एन होता है, ठीक है, जो इनको इनरोलमेंट के बाद मिलता है। यानी कि अगर कोई बंदा आज मुझे कहे कि यार तुम्हारा एन टी एन क्या है, वैसे तो मुझे सोली तौर पर अगर मैं एनरोल्ड हूँ एफ बी आर के साथ तो मुझे बोलना चाहिए कि मेरा एन टी एन, यार मेरा ये एन आई सी है, ये मेरा एन टी एन है। अगर एनरोल्ड नहीं हूँ तो इवन देन मेरा एन आई सी मेरा एन टी एन इवन देन माना जाएगा, लेकिन एफ बी आर के पास वो रिकॉर्ड उसका नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे लोग के लिए एनरोलमेंट के बाद उनको मिलेगा एन टी एन, ठीक है। फिर आप उन क्रेडेंशियल को यूज करते हुए आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करोगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आपने फेसबुक पे अपनी एक पिक्चर डालनी हो तो उसके लिए जरूरी क्या है, आपका फेसबुक पे अकाउंट हो। यानी कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपका आईरिस पोर्टल पे लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। खैर हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इंडिविजुअल को अलग रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ठीक है, इसकी ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होती है। पार्टनरशिप की भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। कंपनियों के लिए जब कंपनी एससीसीपी के पास रजिस्टर्ड होती है, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, तो याद रखिएगा एससीसीपी का एंड एफबीआर का आपस में बाई बाई का ताल्लुक है, दोनों बाई बाई हैं आजकल। तो कंपनी एससीसीपी रजिस्टर्ड ही नहीं करता जब तक कि वो एक फॉर्म होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी बोलते हैं, वो जब तक फिल ना कर लिया जाए। यानी कि एससीसीपी ने कहा मुझे ये वाला फॉर्म फिल करके दोगे तो मैं आपको रजिस्टर्ड कर दूंगा, यानी कि हमारी मजबूरी होगी कि कंपनी बनाते वक्त हम वो फॉर्म फिल करते हैं, और जो ही कंपनी एससीसीपी में रजिस्टर्ड होती है साथ ही आपके मुंह पे वो जो आईरिस का पोर्टल का लॉगिन है वो मार दिया जाता है कि चलो मुबारक हो आप रजिस्टर्ड हो गए हो। यानी कि मींस देयर बाय कि अगर आपकी कंपनी एससीसीपी में रजिस्टर्ड होगी तो साथ ही आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फिर चीज, वैसे मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं खाने की एग्जाम्पल ना दे। अच्छा देखिए मैंने अभी, अच्छा इंडिविजुअल के लिए तो ऑनलाइन हम रजिस्टर्ड हो गए, पार्टनरशिप के लिए भी हम ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है। कंपनी का आपको वैसे ही मिल गया, लेकिन इवन देन आप कहते हैं यार पार्टनरशिप में हमारी हमने कहीं रजिस्टर्ड नहीं करवाई हुई है, लेकिन उस पार्टनरशिप का हमें अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के तौर पर, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप क्या होती है, जो आपका किसी बंदे के साथ एक एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि एग्रीमेंट तो हुआ हुआ है हमारा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एन टी एन आप बना के दे दीजिए, तो उसका भी एन टी एन बनता है। उस एन टी एन पार्टनरशिप को हम बोलते हैं अनरजिस्टर्ड, उसका भी एन टी एन लेना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कंपनी का भी अगर आपने एन टी एन आपको नहीं मिला हुआ, पुरानी कंपनियां जब आपको एन टी एन ऑनलाइन नहीं मिलता था उसका आपने लेना, तो वो भी आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करनी आपको अलग सिखाई जाएगी, पार्टनरशिप की एंड कंपनी की रिटर्न आपको अलग सिखाई जाएगी, ठीक है। स्टेप टू स्टेप इंशाल्लाह हम चलेंगे। चैप्टर आपका 9 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, ये डील करता है आपके टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन के अंदर, यानी कि हाउ अ टैक्स पेयर शुड बी रजिस्टर्ड विद द एफबीआर, ठीक है। और उसके रेलिवेंट कुछ चीजें हैं, वो उन चीजों को भी ये सेक्शन बताता है, ठीक है। खैर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द होल सेक्शन, मैं आपको इसमें सिर्फ 181 जो है वो बताऊंगा। 181 के आगे ये जो आगे सब है, सब सेक्शन है 181 ए डबल ए बी सी, ये आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, पढ़ाऊंगा सही, ठीक है। ऑनवर्ड, अच्छा अब ये देखें, मैंने आपको ऑर्डिनेंस बताया लेकिन साथ यहाँ पे ऊपर गलती से ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही हम इसको करेक्ट भी कर देते हैं क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर करना है। कुछ गलतियां हम जानबूझ के भी रखते हैं, लोग नोट से इधर उधर फेंक देते हैं, हमने तो मेहनत की होती है ना भाई। अच्छा जी, इनकम टैक्स रूल्स का याद रख लीजिएगा सेक्शन, आपका रूल रूल 79 से लेके 83 तक, ये वो रूल्स हैं जो आपके उन सेक्शंस के साथ कनेक्टेड हैं। यानी कि अगर आप लोगों में से कोई बंदा सोचता है कि सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको रजिस्ट्रेशन का बताता है, तो मजीद उसकी जो गाइडेंस है स्टेप टू स्टेप गाइडेंस वो कौन प्रोवाइड करता है, आपके इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है। तो यानी कि आप रूल्स और उनको कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपका कंसेप्ट वो ऐसा हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे यार दैट वाज माय गुड डिसीजन कि मैंने लॉ को पढ़ने पसंद किया, ठीक।
जी फॉर गोंदल साहब, कंपनी एंड फर्म अलग अलग होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जब आप मुझे भेजें, ये टू में आपको नजर आ रहा होता है एक एवरी वन और एक स्पेसिफिक, ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ आ जाए तो वो मैसेज सिर्फ मुझे आएगा, तो आप कोशिश करें कि एवरी वन पे किया करें ताकि बाकी लोगों को भी आपका क्वेश्चन नजर आए और आपके सवाल को जब जवाब दिया जाए, एड्रेस किया जाए, तो बाकी लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग हो कि यार ये बंदा किस सवाल को जो मतलब एड्रेस कर रहा है। अच्छा जी, सेक्शन 181 पे मैं सीधा सीधा आ गया, कहता है कि एवरी टैक्स पेयर शैल अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड इन द प्रेस्क्राइब मैनर फॉर रजिस्ट्रेशन। याद रखेगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जब भी प्रेस्क्राइब फॉर्म की बात हो, जब भी प्रेस्क्राइब फॉर्म की बात हो या प्रेस्क्राइब मैनर की बात हो, आपने कहना है कि ये कोई स्टेप टू स्टेप अप्रोच है, मैनर की बात हो रही है या फॉर्म की बात हो रही है, यानी कि कोई टेम्पलेट बना हुआ है, कोई इनका अपना फॉर्म है जो रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होगा। लेकिन ये वाली चीज होगी जब प्रेस्क्राइब की वर्ड यूज करेगा तो मोस्ट लाइकली ये वाली चीज आपकी रूल्स में लिखी होगी, ये वो रूल्स में आपको दिखाऊंगा, यानी कि जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स पेयर को रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हवाओं में वो फॉर्म बना हुआ है, उसके पीछे बैक एंड पे फुटिंग पे लॉ है, ठीक है। अब वो कहता है कि जो कमिश्नर होता है जो जिसके पास जो, अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अगर एक बंदा है कराची में वो है, उसका मोबाइल कराची में स्नैच हो, तो वो क्या FIR आके इस्लामाबाद में करवाएगा या कराची में करवाएगा? मोस्ट ऑब्वियस कि वो FIR कराची में करवाएगा, ऐसे ही है। तो ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, जहां पे आपका वो वाकया होता है, जहां पे आपका वो मैटर होता है, वहां पे आप उसको FIR को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह अगर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मुझे मेरी ज्यूरिसडिक्शन टैक्स पर्पज के लिए मुझे कहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाना है, किस टैक्स ऑफिस में रजिस्टर करवाना है। वैसे तो FIR का सेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन अगर मैं रजिस्टर्ड अपने आप को कराची में करवा लूँ, मैं मिसाल देता हूँ मैं इस्लामाबाद में बैठता हूँ, मैं कराची में रजिस्टर करवा लूँ, तो मुझे नोटिस तो आएगा कराची से, ठीक है। आप कैसे पता चलेगा कि आप कराची में रजिस्टर्ड हो रहे हैं? जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हुए अपना एड्रेस देते हैं तो आपने अपने एड्रेस में, कम्युनिकेशन एड्रेस में, आपने वो एड्रेस देना है जहाँ पे आप रिजाइड करते हो, आपने परमानेंट एड्रेस नहीं देना। मैं मिसाल के तौर पे, वैसे तो अगर लेट्स सपोज पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मैं रहता इस्लामाबाद में हूँ, आजकल कराची में रहता हूँ, तो मुझे अब ये सोचना है कि यार मेरा फ्यूचर कहाँ पे है, कराची में है या इस्लामाबाद में है, क्योंकि अगर आज रजिस्टर्ड होना है मुझे तो ये क्यों डिसाइड करना जरूरी है। कल को अगर मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आए तो अगर कराची का एड्रेस लूंगा तो कराची का टैक्स ऑफिस मुझे डील करेगा। तो ये वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल को अगर ज्यूरिसडिक्शन चेंज करवानी हो तो यकीन करें अच्छा खासा लंबा चौड़ा काम है और उस पर अच्छी खासी हम लोग फीसें भी लेते होते हैं, लेकिन वो होता ही है कि वो कहते हैं हमारे कंसल्टेंट ने ये चवल मारी और उसने ये कर दिया, तो आप लोगों ने चवल नहीं मारनी, ठीक हो गया। तो इसमें वो कहते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन होगी केस की, यानी जब हम सबमिट कर देते हैं केस तो आपका केस ऑटोमेटिकली, अगर इस्लामाबाद में बैठे हो रजिस्टर कराओगे, कराची का एड्रेस दोगे ना, तो आपका केस चला जाएगा कमिश्नर जो आपका कराची में बैठता है, ठीक है, और उसमें भी आपका वो देखेगा किस डिस्ट्रिक्ट का ये बंदा है, वो रेलिवेंट आगे डिस्ट्रिक्ट में जाके वो पूरा आपको पता है कि FIR का कोई एक ऑफिस नहीं होता, मल्टीपल ऑफिस होते हैं, तो वो फिर देखते हुए मुझे रजिस्टर्ड कर लेते हैं जो कमिश्नर साहब होते हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होती है इसकी जो अप्रूवल होती है वो कमिश्नर साहब दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। फिर इसके लिए FBR ने, ऐसा नहीं है कि उसने रजिस्टर्ड ऐसे ही कर दिया, उन्होंने कोई बाकायदा अपने रूल्स बनाए हुए हैं बोर्ड ने, जो कि आप इनकम टैक्स रूल्स 2002 में लिखा हुआ है कि ये फॉर्म होगा, ये सबमिट किया जाएगा। अभी मैं रूल्स में भी आपको लेके जाता हूँ। ओवरसीज के लिए आपको अगर यहाँ पे आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो NICOP होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। खैर मैं अभी आपको लोकल बंदे का बता रहा हूँ, उसके लिए अलग है, और वो भी पोर्टल पे NICOP वगैरह को उसने एड्रेस किया हुआ है, ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी वो एक्स्ट्रा चीजें मांगते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर समझिए कि फॉर्म उसके लिए भी उन्होंने दिया होगा कि ये वाला फॉर्म होगा। सन 2015 के बाद आपका CNIC जो नादरा इशू करता है वही आपका नेशनल टैक्स नंबर। ये सारी चीज मैंने सेक्शन से कॉपी पेस्ट की हुई है, ये मेरी कुछ चीज है नहीं है, ठीक है, तो ये आप सेक्शन को देख लीजिएगा, ये एग्जैक्ट डिटो वर्डिंग वहां की, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपको ये वाली चीज दिखाऊं, जाके सेक्शन से दिखाऊं, अच्छा मैं रूल्स में आपको थोड़ा सा लेके जाऊं, जैसे मैंने आपको कहा रूल्स में अगर हम जाएं, ये देखें रूल में, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं,
ये देखो मेरा भाई, ये वाले जो रूल्स हैं, रूल आपका भी मैंने दिखाया भी था, ये वाले आपके रजिस्ट्रेशन से रूल। अब मैं डायरेक्ट रूल पे जंप कर रहा हूँ, सेक्शन रूल 81A पे, ठीक है। कहता है दैट स्क्रीन पर कहता है, तो मेरे जैसे बुजुर्ग भी होते हैं जिनकी नजर का मसला होता है, इसलिए फिर स्क्रीन बड़ी करनी जरूरी। अच्छा, टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन, द टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन बाय द कमिश्नर, यानी कि आप हो सकता है सिर्फ सेक्शन ए की वही सोच रहे होते हैं, ठीक है। वो आप पढ़ोगे उसमें जाए कहेगा आपने एप्लीकेशन, अच्छा उसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच नहीं बताएगी, आपने देख लिया होगा कानून दिखाया, ठीक है। वो कहता कमिश्नर करेगा रजिस्टर्ड, अब ये कमिश्नर कैसे करेगा उसके बारे में ये फॉर्मूला बता। द कमिश्नर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर अ केस, यानी कि जो मेरा सबमिट मैंने एप्लीकेशन दी वो उसके लिए केस है। May register a person as a taxpayer where he is satisfied that the income of the person is taxable and is required to file a return of income under section 114। ये वाली बात लफाजी है, वो हर बंदे को register कर लेता है, जो भी बंदा उसको application गलती से भी जमा करवा देता है वो ये नहीं देखता कि इसकी taxable income है कि नहीं है, वो register कर लेता है। हालांकि इस point को आप पढ़ें, उसको अपने आप को पहले मुतमिन करना चाहिए कि इस बंदे की कोई taxable income है और या फिर section 114 के तहत इस बंदे को register होना चाहिए, ठीक है। जब आपकी टैक्सेबल इनकम होती है ना, तब सेक्शन 114 डंडा लेके खड़ा होता है कि रजिस्टर्ड अपने आप को करवाओ। द कमिश्नर शैल इशू द टैक्स पेयर अ लेटर अंडर सबसेक्शन 181(2) और टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 80 अलोंग विद द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड देयर इन विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है, अ टाइम गिवन इन द सेड लेटर। अब कह रहा है कि रूल 80 ऊपर लिखा हुआ है, कहता है रूल 80 के अकॉर्डिंग आप एक एप्लीकेशन दोगे, ठीक है, और वो आपको क्या करेगा रीजनेबल टाइम के अंदर रजिस्टर कर लेगा। इन केस ऑफ कंप्लायंस एनटीएन सर्टिफिकेट शैल बी इशूड अकॉर्डिंगली, ये तो अब आधे घंटे के अंदर इशू हो जाता है। ये अब आप सेक्शन देख लेंगे, अब देखें मैं पूरा सेक्शन इसलिए आपको बढ़ाने को मुझे इतराज नहीं है, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, आपका काम है उस रास्ते को फॉलो करना, ठीक है। अभी आप देखोगे ना, ये देखो रूल 80 पे अगर मैं आपको लेके जाऊं, ये जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई लिए जा रहे होते हैं, अब ये एनरोलमेंट वाली जो बात मैंने की थी, एनरोलमेंट को बकायदा उसने सेक्शन 80 में आके डिफाइन किया है, ठीक है, कि 80A में कि एनरोलमेंट से मुराद क्या है कि आप फलां जगह पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं। बल्कि मैं इसको कॉपी भी कर लूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने आगे आपको जाके इसकी एप्लीकेशन भी दिखाऊंगी। ये रजिस्ट्रेशन के मतलब आप पढ़ेंगे ना, ये रूल 80 से लेके आपने ऑनवर्ड इसको पढ़ लेना है कि ये इंडिविजुअल के लिए ये चीज़ें चाहिए। ये देखें पूरी उसने लिखी है, बिजनेस वाले बंदे के लिए ये चीज़ें चाहिए होंगी, आपकी कंपनी के लिए ये चीजें चाहिए होंगी। ये चीजें लोग बता लिख के बैठे होते हैं ना कि फला फला चीजें दो, ये चीजें भाई कानून के अंदर लिखी हुई है। ये चीज अब मुझे बढ़ाने की जरूरत है या आप देख लोगे? मैं इतना भी बोर नहीं करना चाहता कि आप लोग बिल्कुल कहें कि यार ये तो सिर्फ कानून ले आए हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक कानून आज काफी है। नो आई शुड हैव टू मूव टू द पोर्टल, ठीक है, थोड़ा सा आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, ठीक है, बाकी जहाँ इशू होगा आई शैल बी देयर फॉर। चलें जी, ठीक है। मोरी बंदा बनता है, अच्छा जी जी मैं आपको लॉ भी भेज दूंगा, रूल्स भी भेज दूंगा, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको मैं इंशाल्लाह अपने ये स्लाइड्स भी भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग जानते हैं कि ये FBR की मेन वेबसाइट है, ठीक है, आपकी मेन वेबसाइट है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑर्डिनेंस आपको नहीं भेजना, ठीक है, सबसे पहले चीज़ बता दूं, क्यों नहीं भेजना ना रूल भेजना, आप खुद करेंगे डाउनलोड। ये वाली चीज़ आपको बता दूं कि ये मेन वेबसाइट पे आने के बाद आपने या ऑर्डिनेंस पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो मैं क्लिक करता हूँ,
आपके सामने आपका ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ है, ये इनकम टैक्स रूल्स पड़े हुए हैं। जब मैं लेट्स सपोज आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये एक लिस्ट खुल गई। ये क्या भाई, आपको पता है हर साल आपका जब बजट आता है तो कानून चेंज होता है, तो यहाँ पे जो मौजूदा कानून अप्लीकेबल होगा ये तो ऊपर पड़ा होगा, ठीक है, लेकिन इससे पिछले साल का भी यहाँ पे कानून रखा होता है, उससे पिछले साल का भी, उससे पिछले साल का, उससे पिछले, ये सारे ऊपर पड़े हुए। लेकिन आपने जो डाउनलोड करना है वो ये ऊपर वाला करना है। अब ये क्या मतलब है कि अमेंडेड अप टू 30 जून 2022, जब जून में बजट आया था तो आपको पता है वो कानून अगले साल के लिए, ठीक है, तो फाइनेंस बिल में जब आपकी चेंजेस होती हैं, ठीक है, तो इसके लिए फाइनेंस बिल आपका जब 2022 आया तो ये टैक्स ईयर 2023 बन गया, ठीक है, तो ये आप जब आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका ऑर्डिनेंस ओपन हो गया, ठीक है। आपने इस ऑर्डिनेंस को सिंपली डाउनलोड करना है, दैट्स इट। अब मुझे ये बताएं कि ये डाउनलोड कर लेंगे आप लोग, ये भी आपके सामने खुल जाता है, मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा भाई यहाँ पे क्लिक करना, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप लोग कर लेंगे, माशाल्लाह मेरे से ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी का पता है। सेम लाइक दिस, अगर आपने रूल्स डाउनलोड करने हो तो ये साथ ही रूल्स पड़े हुए हैं, ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो रूल्स आ जाएंगे जो ऊपर टॉप पे पड़े हुए डाउनलोड करते हैं, ठीक है जी। नहीं ये नेट स्लो नहीं है, 74-75 MB की एक फाइल है, डाउनलोड आपको नेट स्लो है, नहीं नहीं नेट स्लो होता तो आपको इतनी क्लास सुनाई भी ना देती इस तरह से, बेसिकली 74-75 MB की फाइल डाउनलोड होते हुए टाइम लगता है। अच्छा जी, जब हम यहाँ पे गए तो आपने एनटीएन लेने के लिए ये इनकम टैक्स आईआरएस नजर आ रहा है, ठीक है, इसी वेबसाइट पे नीचे जाके इनकम टैक्स आईआरएस नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। अच्छा टिल नाउ अगर आपको कोई क्वेश्चन है थोड़ा सा कोई मैसेज करें ताकि मुझे फील हो कि आप लोग जाग रहे हैं और आपकी बोरियत आपकी बहुत ज्यादा नहीं है। सर जी दिस इज भूपेन खान, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी प्लीज। इंडिविजुअल का तो आपने बता दिया, सपोज एक मेरे मोहल्ले में एसी वाला है, वो अपना इसमें एनटीएन जो है वो खुलवा के और अपना जो है एनर्जी रजिस्टर कराना चाह रहा है। मुबीन भाई आप सारी चीजें एक दिन में सीखना चाहते हैं, मसला इस बात का सर, सारी नहीं, आई हैव यू सेड एनी क्वेश्चन तो आई हैव, मैंने तो उसी को बनाया। चलिए मैं अपने आप को मजीद के लिए बेटर अंदाज में वो रिफ्रेज करता हूं अपनी सेंटेंस को, जो हम चीजें पढ़ेंगे ना आपने उन चीजों तक रहना है, ठीक है। हाँ क्लास के अंदर, क्लास के अलावा आप मुझे अप्रोच कीजिएगा, आई शैल गाइड यू। क्लास का एजेंडा ये होता है कि यहाँ पे अगर 50-60 लोग बैठे हुए हैं ना, जब बाद में कुछ लोग रिकॉर्डिंग लें, ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि यार आप लोग इधर उधर क्वेश्चन को गाइड कर देते हैं, तो मतलब उसमें फिर लोग की नाराजगी आती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह चीजें मैंने करवानी है, इसको हम कहते हैं सोल प्रोप्रेटर, ठीक है, सोल प्रोप्रेटर की हमें रजिस्ट्रेशन अभी डिस्कस करनी है एनटीएन लेने के बाद, ठीक है। थैंक यू सर, एक आप पर्सनली मुझे अप्रोच कर लीजिएगा, आई शैल बी देयर। थैंक यू सर, अभी आपने स्लाइड में ना एक पॉइंट था जुरिस्डिक्शन के बारे में कि जो बंदा जिस सिटी में आया, जैसे इस्लामाबाद में आया तो वो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हो, इन फ्यूचर अगर वो मूव करके लाहौर में आ जाता है तो अगर लाहौर में बैठ के वो रिटर्न तो फाइल कर देगा लेकिन नोटिस उसको इस्लामाबाद से रिसीव हो गए, तो अगर वो अपना एनटीएन को लाहौर में मूव कर सकता है करंट जहाँ वो वो ना बंदा अपनी जुरिस्डिक्शन चेंज करवा सकता है, उसके लिए एप्लीकेशन होती है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा खाता होता है, ठीक है, इतना लंबा भी नहीं होता, फॉलो अप आपको काफी लेने पड़ते हैं, वो हो जाता है, ये नहीं है कि नहीं। अच्छा आइंदा ना मैंने एक SOP ये रखना है, मैं एक चीज आपको बता दूं, जो बंदा एक से दूसरी दफा अनम्यूट करेगा और इस तरह से उसकी डिस्टॉर्शन होगी और बिला वजह अनम्यूट करेगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा क्लास से, ठीक है, ये मैंने वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मैंने रखी। इसकी वजह ये है कि मैं इतनी एफर्ट के साथ, मेरी कोशिश होती है कि कुछ चीजें जहन में चल रही होती हैं, दरमियान से पीछे से आवाजें अजीबोगरीब आ रही होती हैं, बाकी लोग क्या वेले हैं भाई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लोगों को पता ही नहीं है, और आप इतने वेले हैं, आप वो फैमिली, मैं समझता हूँ कि आप अलग रूम में बैठ के क्लास लें, मैं आप लोगों के लिए मतलब ऐसे अलग चुपता होकर बैठा हुआ हूँ, लड़के ने पीछे वो फेसबुक चलाई पोस्ट आई, मैंने उसको कहा मौलवी बंदा बन,
यानी कि मैं अपना इतना कर रहा हूँ कि यार आप लोग को 0% भी कोई मेरी तरफ से वॉइस ना हो, इशू ना हो। एनीवेज अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब हमने आयरस पे क्लिक किया, हम एफबीआर की वेबसाइट पे गए, आयरस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। जब ये स्क्रीन ओपन हो गई ठीक है, उसके बाद हमने अपने आप को सिंपली सिंपली क्या करना है। अच्छा फर्क गोंदू साहब, मैं हायरार्की आपको बताऊंगा, लेकिन ना हायरार्की से ज्यादा मेरा फोकस जो है ना वो इस चीज पे है कि आपको चीजें वो बताई जाएं दैट आर बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, रेदर देन कि हम वो अच्छा ये होगा नीचे ये होगा। मैं बेसिक लेवल पे बिल्कुल बताने के तैयार हूँ, बताऊंगा, लेकिन वो बिल्कुल हमने उनके एग्जाम तो नहीं दलवाने हैं कि हम उस तरफ चल पड़े, ठीक है। चले जी, मुझे अब्दुल असीम साहब आपने एक नई चीज कहा दी है कि ये जिस बंदे की ये स्टेटमेंट है कि टाइम इज मनी। चले अच्छा जी, आज का हमारा एजेंडा ये है कि एक इंडिविजुअल को हम रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं। मैंने आपके सामने कहा आप मेन एफबीआर की वेबसाइट पे लैंड करें, वहां से आप आयरस पे लैंड करें, जब आयरस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे आपने आके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अभी वो साहब से जो पीओसी वो कह रहे थे कोई फॉरनर वगैरह, अगर कोई पीओसी होल्डर है तो उसकी ये देखें रजिस्ट्रेशन का ये नीचे लिंक आ रहा है, आपको शायद नजर आ रहा होगा, आई होप। खैर मैं अभी सिंपल इंडिविजुअल पे चला गया हूँ, आपके पास एक आया करियाने वाला, आपके पास आया फलूदे वाला, आपके पास आया पापड़ी वाला, कुल्फी वाला, कोई भी बंदा आया है, आपके पास एक टीचर आया, वो कहता है जी मुझे एमटीएन लेना है, कोई प्रॉपर्टी लेने वाला आया, वो आया, सबसे पहले आपको ये स्टेप से इस स्टेप से गुजरना ही गुजरना है, बिजनेस ऐड करना है, फिर उसको बाद में बताना है कि एसी वाला एफबीआर को, वो अगला काम है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि असलम कूलिंग सेंटर, ठीक है, अब इस नाम का मुझे बैंक में अकाउंट खुलवाना है, तो बैंक कभी भी मुझे असलम कूलिंग सेंटर का अकाउंट नहीं खोल के देगा, वो कहेगा शाबाश जाओ एफबीआर से अपना असलम वो एनटीएन लेके आओ असलम कूलिंग सेंटर का, तो वो एनटीएन बाद में बनेगा। मतलब अभी मैंने सिंपल एक एनरोलमेंट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ एफबीआर के साथ एनरोलमेंट कर रहा हूँ, बंदे की एनरोलमेंट से बाद मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, उसके लिए ये समझिए कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है। वैसे टेक्निकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, चलो वो भी अभी बता देता हूँ। एनरोलमेंट ये होता है कि कुछ लोगों का डाटा एफबीआर के पास ऑलरेडी होता है, मिसाल के तौर पे मैंने कहीं से सैलरी ली, ठीक है, मुझे मेरी सैलरी पे टैक्स कट गया, लेकिन मैं इतना जिद्दी बनता हूँ कि मैंने कहा मैंने एफबीआर का रजिस्टर्ड नहीं होता, एफबीआर के पास टैक्स गया, तो एफबीआर ने क्या किया, मुझे अपने पास अपने सिस्टम में आधे डाटे की बेस पर रजिस्टर कर लिया, ठीक है, साथ ही वो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज भी कर देता है, वो कहता है कि आपके लिए लाजमी है कि आप रिटर्न फाइल करें, और उस सिलसिले में आप ये कह लीजिए कि वो जी बिल्कुल 2015 से पहले ऐसा होता था, वो आपको नोटिस भेजता है, मैसेज भी भेजता है, वो कहता है कि आप अपने आप को इनरोल करवाएं, वो क्या मैसेज करता है आप अपने आप को ई इनरोल करवाएं। समटाइम मैं एक बंदे को नए बंदे को रजिस्टर करने लगूंगा, मेरा वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी, वो कहेगा ई इनरोल कराओ, आप कहोगे भाई ये आप नया कट्टा क्या आ गया, जब आप ई इनरोलमेंट पे जाके क्लिक करते हैं तो ई इनरोलमेंट में समझो कि एफबीआर के पास आधा डाटा है और आधा वो आपसे मांग रहे हैं, कौन सा डाटा होगा, जब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा ना तो वो एक लंबा फॉर्म है, आप कहोगे अच्छा उस लंबे फॉर्म में आधी चीजें हैं, कौन सी हैं जो वो नहीं मांग रहा, ये जो चीजें मांग रहे हैं आप कहें कि इतनी चीजें एफबीआर को आपकी बेसिकली चाहिए, उस लंबे फॉर्म में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, एक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि एफबीआर के पास आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको उसको सीएनआईसी चाहिए, हालांकि सीएनआईसी उसके पास है, दोबारा से सीएनआईसी चाहिए, आप किस नेटवर्क को यूज़ करते हैं वो चाहिए, सेल नंबर चाहिए, सेल नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, पहले ये होता था कि हम किसी बंदे को अपने नंबर पे रजिस्टर्ड करके बाद में उस बंदे का बाद में अपडेट कर देते थे प्रोफाइल में नंबर, वो कैसे अपडेट होता है वो आगे बताना मैं, ई मेल कन्फर्म ई मेल आपका ये कैप्चा कोड कि आप इंसान ही हैं आप रिबोट तो नहीं है सबमिट कर देते हैं, तो ई इनरोलमेंट ये होता है कि आपने ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, खैर मेरा एजेंडा ई एनरोलमेंट का नहीं है, मैं आपको लेके जाना का न्यू रजिस्ट्रेशन पे, लेकिन मैंने इसलिए कहा है कुछ क्लाइंट आपके पास आते हैं वो कहते हैं कि मुझे रजिस्टर करें, आप रजिस्टर करते हो जब यहाँ पे जाके तो आगे बोलता है यार आप अपने आप को पहले ई एनरोल कराओ, यानी कि अभी उसने ये वाली चीजें आपसे मांगी थी, तो ये जो नीचे वाली चीजें मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, ये वाली चीजें उसके पास फिर आपकी पहुंच चुकी ये वाली चीजें, ठीक है, हालांकि कैसे पहुंची हैं वो कहीं मेरा टैक्स कट गया होगा किसी वजह से पहुंच चुकी हैं, जब आप पूरा फॉर्म किसी बंदे का भर के फिल करके सबमिट करें और आगे से ऊपर यहाँ पे लिखा हो मैसेज आए यहाँ पे कोने में,
कि अपने आप को इनरोल कराओ, तो आपने कहना है अच्छा इसका मतलब यह है कि मैंने उस बंदे की रजिस्ट्रेशन नहीं करनी बल्कि मैंने उसकी इनरोलमेंट करनी है, और ई एनरोलमेंट के साथ ही रजिस्ट्रेशन के साथ ही कॉलम है वहां पे जाके क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में जब हम जाते हैं, ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म आपके रूल्स के अंदर एक शेड्यूल में जाके, मेरा ख्याल है अगर मुझे गलत नहीं बता रहा, तो फर्स्ट शेड्यूल का जो चैप्टर 9 है मेरा ख्याल है, पार्ट 9 उसमें बना हुआ है आई बिलीव, ठीक है, वरना उधर आपको मिल जाएगा। उधर थोड़ा सा पुराना जो इसका टेम्पलेट था वो मिलेगा, हालांकि उन्होंने अभी इसको अपडेट नहीं किया, उसको वो इन ड्यू कोर्स में अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने न्यू, अच्छा इसमें आप लोगों में से कोई बंदा जो अपने आप को वॉलंटियरली रजिस्टर करवाना चाहता है, अगर कोई क्लास में मौजूद है तो हम किसी बंद को रजिस्टर कर देते हैं। एक चीज बता दूं कि एक दफा आपको रजिस्टर करवाने के बाद जो इंसान है जिनको इंडिविजुअल ना बोलना है, उनका एनटीएन खत्म नहीं हो सकता जब तक कि वो कोई बंदा इंसान मर ना जाए, ठीक है। यानी कि आपको पहले मरना पड़ेगा एनटीएन खत्म करवाना, और रजिस्टर करवाने के बाद आपको क्या करना होगा, हर साल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी, आपकी इनकम है या नहीं है, भले वो जीरो फिगर हो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ, ड्रा नहीं रहा लेकिन आपको फैक्ट्स का पता होना चाहिए। पार्टनरशिप एंड कंपनियां रजिस्टर्ड जब हो जाती हैं तो वो बंद हो सकती हैं, उनको क्लोज कर सकते हैं। सेक्शन 117 के तहत हम उसकी क्लोजिंग की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उसके लिए कुछ एविडेंस होते हैं वो लगाने पड़ेंगे, तो उनका मसला नहीं है। यानी कि आप लोगों में से अगर कोई करवाना चाहे तो मुझे बताएं ताकि हम उस बंदे का भी एनटीएन बनाएं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों में से कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, चलिए मैं फॉर्म फिल करना आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। मैं तो मेरा भाई बहुत भले वक्तों में कर लिया था जब मैं छोटा होता था, आप तो बूढ़े हो गए। अच्छा जी, अच्छा अपना करके दिखा दे, वैसे बहुत समझदार आदमी है, मैं रजिस्टर्ड हूँ आपको दिखा दूंगा। अच्छा जी, आपने सिंपली ये आपने याद रखना है, आई एम फ्रॉम विलेज एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट एफबी रजिस्ट्रेशन। मेरे भाई वही तो जहाँ जेब साहब तो हम वो कर रहे हैं, मैं तो खुद गाँव से हूँ, फील्ड में बैठा हुआ क्लास ले रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही चार पाई की। अच्छा जी, आपने सबसे पहले किसी बंदे को रजिस्टर करना हो, बंदा आपके पास आता है कि यार मैं रजिस्टर कर दूँ, तो आपने उसका सीएनएसी लेना है उससे, ठीक है, फ्रंट बैक सीएनएसी ले लीजिएगा, काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आपने बताना है कि वो बंदा डॉक्टर है, मिसेज है, मिस है, यार वैसे एक जाति है यहाँ पे, मेजर कर्नल जनरल भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनको लिखना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए कि उन लोगों की भी तो आपको पता है ना रिस्पेक्ट है ना, तो सिर्फ चंद लोगों को इन्होंने रिस्पेक्ट दिया है। अच्छा, यहाँ पे प्रीफिक्स आपने ऐड कर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंडेटरी है। अच्छा, आप लोग जानते होंगे इससे ज़्यादा आप लोग पता है, ये वाली जो चीज़ होती है ना स्टैरिक, किसी भी फॉर्म में लिखी हुई हो तो आप याद रखें कि वो वाली इंफॉर्मेशन आपको लाजमी तौर पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर आप ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करते तो आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। यानी कि अगर किसी बंदे का नाम मोहम्मद अली है तो आप यहाँ पे मोहम्मद और यहाँ पे अली लिखना, क्या कहते हैं सर। अच्छा, एक चीज बता दूं, मुझे अच्छा लगता है किसी बंदे का क्वेश्चन आए तो साथ एड्रेस करूं, उसकी वजह आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर आपके जेहन में क्वेश्चन आया, आपने पुट किया, मैंने आंसर नहीं किया, तो होता यह है कि आप उस क्वेश्चन के अंदर घुसे रहते हो, वही जेहन में आपके चल रहा होता है, जब तक वो आपका जो क्वेश्चन नहीं होता आप अगली क्लास में भी डिस्टर्ब रहते हो, उसी क्लास मतलब जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं तो आप डिस्टर्ब रहते हो। डैट्स व्हाई मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो जो चीजें आपको बढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ मैं क्या करूँ, आपको आपके क्वेश्चन को एड्रेस करता जाऊं, ठीक है, ये वजह है, वरना कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये सारे जानजेब साहब कहते हैं सर आई एम इन अ विलेज एंड वी डोंट हैव एनी अवेयरनेस अबाउट एफबीआर एंड टैक्स रजिस्ट्रेशन, सो आई एम न्यू टू लर्निंग जस्ट लाइक बेबी स्टेप, यानी बेबी स्टेप के तौर पर भी हम करवा रहे हैं ये, बल्कि कई लोग मुझे गालियां देते हैं, आपको पता है, वो कहते हैं ना सर आगे चले आगे चले, इट मीन्स टू से कि वो कह रहे होते हैं सर क्या आप कर रहे हैं, लेकिन मेरी आदत यह है कि मैं स्टेप टू स्टेप आपको लेके चलता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आपने अपना सर्विस प्रोवाइडर है, मोबाइल लिंक फला फला जो भी है, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से उसको चूज करना है, अपना करना है, सेल नंबर मेंशन करना है, दोबारा से सेल नंबर मेंशन करना है, ईमेल मेंशन करनी है, ठीक है, इसे लिख दी। ये चीजें लिखने के बाद आपने एफबीआर को अपने एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है, आप लोग जानते हैं। अच्छा, ये मैं फेसबुक का जैसे अकाउंट बनाते हैं वो एक अकाउंट बना रहा हूँ, एफबीआर के साथ भी उस तरह से एक फॉर्म सबमिट किया जा रहा है, एक फॉर्म सबमिट किया जा रहा है, ओके।
इसमें सबसे पहले मुझे बताना है टाइप, लेकिन अब टाइप क्या है भाई, आपको पहले बताओ कि ऊपर क्या है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, यानी कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये जिस बंदे का फॉर्म भरा जा रहा है उसके एड्रेस की, उसकी लिविंग जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। टाइप, अभी मैं समझो मैं भी आप ही हूँ, एक जहाज बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता टाइप से क्या मुराद है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा आप लोग भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, अच्छा इसमें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी फ्लॉ फ्लॉ चीजें आ गई, यानी कि इसका मतलब ये है कि जहाँ पे मेरी रहायश है, मैं बताऊँ, मैं कहता हूँ यार ये जो मेरी रहायश है ये तो एक रेजिडेंशियल जगह पे है, यानी कि इसके अंदर से मैंने फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली, यानी कि मेरी प्लेस ऑफ लिविंग के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा फॉर्म क्या होता है, अच्छा चलो ठीक है देखते हैं, फॉर्म पे क्लिक किया, फॉर्म में अच्छा याद रखिएगा अगर इधर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूंगा ना, तो मैं अभी दिखा दूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे जिस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो आ जाती है फॉर्म में, अगर मैं टाइप पे जाके रेजिडेंसी सिलेक्ट करूंगा तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किस तरह की होती है वो टाइप आ जाती है, ठीक है समझ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे मैंने कहा जी मेरा तो ये हाउस है, ठीक है मैंने सिलेक्ट कर दिया, जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिलेक्ट करना हूँ चीज़ों को, मेजरमेंट, मेजरमेंट से क्या मुराद है, मेजरमेंट से मुराद आप ये कह दीजिए आपकी है कि आपका जो रकबा है उसको कैसे मेजर किया जाता है, जो उस घर में आप रहते हैं जो मैंने अभी ऊपर लिखा हाउस है तो वो क्या मरलों में है, कनाल में है, स्केयर फीट में है, स्केयर यार्ड में, मैं कहता हूँ वो मरले हैं, मैं कहता हूँ वो कितने मरले का है, वो 20 मरले का घर है, ठीक है समझ लगी, एरिया में मैंने वो जितने साइज का है वो बता दिया, मेजरमेंट में वो किस तरह से उसको मेजर किया जाता है वो बता दिया। अच्छा अब इसकी प्रैक्टिकल इतना कोई वजह नहीं है, आप अगर सोच रहे होंगे कि एफ बी आर आपको, यार अभी मुस्लिम भाई क्वेश्चन पूरा फॉर्म करने देना बताऊंगा आपको, अगर आपको मैं एक चीज बता दूं, पूरी जब क्लास हो जाएगी ना अल्लाह के हुक्म से, अगर आपका कोई एक क्वेश्चन भी, वैसे इतने क्वेश्चन होंगे कि वो सारे आपके क्वेश्चन एड्रेस हो जाएंगे, फिर भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कहें सर आप बता के जाएं, और मैं जाता ही नहीं हूं जब तक आप लोग कहते नहीं। अच्छा यूनिट नंबर में आपने बताना है कि वो जगह, वो हाउस नंबर क्या है, वो शॉप नंबर क्या है, वो ऑफिस नंबर क्या है, यानी कि फिर यूनिट नंबर आपका बेसिकली हाउस नंबर, आपका ऑफिस नंबर, ठीक है, या आपका जो भी एड्रेस है उसके बारे में जो फर्स्ट है ना वो चीज़ है, मैं कहता हूँ ये वाली चीज़ मेरी हाउस है, ठीक है मैंने वो बता दिया। अब हाउस के साथ सिर्फ हाउस ही आपने लिखना है कि हाउस नंबर दिस है या ऑफिस नंबर दिस है, आगे स्ट्रीट की इंफॉर्मेशन आप यहाँ देंगे, कहते हैं कि स्ट्रीट नंबर लेट्स सपोज 2 है, ठीक है, लोकेलिटी के बारे में मैं मिसाल देता हूँ, अगर हमारा ऑफिस इस्लामाबाद में, हम बोलते हैं कि वो जी ब्लू एरिया में है, तो ये मैं एरिया बताऊं जी हमारा ब्लू एरिया है, ठीक है, यानी कि फिर इन खानों के अंदर फिर आगे सिटी बतानी है इस्लामाबाद, जब समय में आप इस्लामाबाद लिखेंगे तो इस्लामाबाद दो तीन तरह का आएगा, पहली बात तो ये आपने याद रखना है कि आप कोशिश करें कि जो रूरल या अर्बन जो बनता है वो सिलेक्ट करें, अगर आप बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रही, आप कहते पता नहीं क्या है, आप मेरी तरफ बिल्कुल शरीफ आदमी है आपको नहीं पता चलता, तो आपने बस ये जो आखिरी आ रहा होगा इस्लामाबाद उसको सिलेक्ट करना है, मरी सिलेक्ट करेंगे तो मरी में भी वो डिफरेंट किस्म के कर देगा, कराची सिलेक्ट करेंगे तो कराची में भी डिफरेंट तरह का कराची के आ रहे होंगे, तो आपने जो लास्ट होगा वो सिर्फ सिंपल आ रहा होगा, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, आपको समझ नहीं आती तो, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे बड़ी वाजह करनी जरूरी है, वो चीज वाजह करनी क्या जरूरी है, याद रखें कि जो मैं ये एड्रेस दे रहा हूँ इस एड्रेस के बेस पे मेरा आरटीओ डिटरमाइन होना है, ठीक है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं मैं वसूख से कहता हूँ, शायद ज्यादा सारे लोगों को तो नहीं कहता, बड़े सारे लोगों को ये बात नहीं पता, ठीक है, और वो कोई क्लास में मौजूद भी है तो वो अपने आप को असेस कर ले, मैं ये नहीं कहता किसी को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ। फिर कैपेसिटी में जाके अब यहाँ पे एक वो भाई साहब आए थे, वो कहते थे बताओ अगर रेंट पे हो तो भाई जान यहाँ पे वो चीज एड्रेस होती है, अगर यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, क्या आप उस जगह के मालिक हैं जो आप ये एड्रेस दे रहे हैं, यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं अपना फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ऊपर मैंने अपना सीएनएसी नंबर दिया, मैंने अपना मोबाइल नंबर बताया, ईमेल बताया, मैंने बताया मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलां हूँ, मिस्टर हूँ, डॉक्टर पटर, वो बताने के बाद वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है, मैं अपनी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उस घर का मैं अगर मालिक हूँ तो मैं कहूँगा मैं ऑनर हूँ, अभी हो सकता है वो घर का मैं 100% मालिक हूँ, मैं यहाँ पे शेयर में जाके 100% लिखूँ, हो सकता है कि मेरा और मेरे भाई का वो 50-50% हो, मैं मालिक तो हूँ मैं कहूँगा 50%, हो सकता है हम तीन भाई मालिक हों मैं कहूंगा 33%, ठीक है, हो सकता है कि वो अकेले ही मालिक को 100% आ गया, ये भी हो सकता है कि वो जो मालिक होता है ना इसको को ऑनरशिप कहते हैं ना, ठीक है, को ऑनर, अगर दो से एक प्रॉपर्टी के से ज्यादा ऑनर होता है तो उसको को ऑनर बोलते हैं। अच्छा अगर मालिक के अलावा वो मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे है, ठीक है,
या मैं उस प्रॉपर्टी का फ्रेंचाइजी हूँ, ठीक है, या कुछ और सिर्फ कब्जा ही किया हुआ है, फ्रेंचाइजी भी नहीं हूँ, मैं ताजी खोकर हूँ, अच्छा वैसे नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने आके वो परसेंटेज लिखनी है। लेकिन जब आप मालिक नहीं है तो आपने 1% शेयर लिखना, लिखना 1%। आप कहें कि ये कहीं कानून में लिखा हुआ, ये कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ, ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि हम 1% लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये आपने कैप्चा डालना है। तो याद रखिएगा, कैप्चा डालने के बाद जो ही आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके मोबाइल पे एंड आपके ईमेल पे एक एक कोड आ जाएगा, ठीक है, और आपको ये सारा फॉर्म डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल से मतलब फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकोगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल लिखा होगा और उसके सामने ऐसे दो खाने बने होंगे जैसे ये खाना बना हुआ है। वो कहेगा यहाँ पे कोड, जब मैं कोड लिख दूंगा अगेन उनके सामने, सबमिट एक ही सबमिट लिखा होगा, जो सबमिट करूंगा तो मुबारक हो का एक मैसेज आएगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मुबारक हो नहीं आता, FBR का एक मैसेज आता है कि आप रजिस्टर्ड हो गए हमारे साथ, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपका CNIC लिखा होता है, और ये आपका पासवर्ड है और आपका ये पिन है, ठीक है, तो अब आप रजिस्टर्ड हो गए। उस पासवर्ड को, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करते हुए यहाँ पे आपने पासवर्ड अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, आपने हो जाना लॉग इन, ठीक है, यहाँ से आप कर दोगे लॉग इन, ठीक है। लेकिन अभी मैं लॉग इन से पहले वापस चलता हूँ और दोबारा से फॉर्म खोलता हूँ। ये फॉर्म आप देख लीजिए, ठीक है, मुझे ये बताइए कि यहाँ तक आपका जो हमने पढ़ाया क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों पे आएगा, क्वेश्चन है तो मेरा भाई हुक्म करें। अगर नहीं आया तो बस नो ही लिख दें, सो डैट सर यहाँ पे थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन ये करें कि ईमेल पे भी कोड आएगा और SMS दोनों पे कोड आएगा, वो दोनों कोड चाहिए होंगे, आई थिंक ये क्लियर करें। अच्छा जी, इट मींस कि आपका कोई क्वेश्चन आगे नहीं है, चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप FBR के साथ मुबारक हो, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद आप करेंगे लॉग इन पे क्लिक। जब लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आपको बताते चलें कि आप यहाँ से अपना सबसे पहले पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने आपको एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड भेजना है। तो अगर आप वही यूज करें कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, इफ यू वांट टू चेंज द पासवर्ड देन यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर, ठीक है। आप अपना पिन बदलना चाहो, पिन क्या होता है ये समझो कि अगर एक पेज हो, आप किसी को एप्लीकेशन लिखो, उस एप्लीकेशन के नीचे आप अपने सिग्नेचर करते हो, ठीक है। तो अगर आप, क्योंकि ये तो आप ऑनलाइन सारे काम कर रहे हो, अगर ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि, मतलब आप नहीं चाहते, FBR चाहता है कि कल को आप ये ना कहो ये तो मैंने सबमिट ही नहीं किया था, आपका भले लॉगिन है, ठीक है, जैसे आपकी फेसबुक आईडी से कोई गलत चीज शेयर हो जाए या सही चीज शेयर हो जाए तो माना ये जाता है कि आपने वो शेयर की। तो अगर इस पोर्टल से कोई भी डॉक्यूमेंट FBR को सबमिट हो रहा है तो माना ये जाएगा कि आपने खुद सबमिट किया, ऐसे ही एग्रीड। तो यहाँ पे फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या बस ऐसे ही सबमिट कर दें? FBR ने इसी पे कंट्रोल रखा, उन्होंने कहा कि आप साइन तो नहीं कर सकते, एक पिन डालोगे, पिन मीन्स डिजिटल सिग्नेचर, ये होगा एक कोड जैसे 1234, लेकिन अगर वो जो आपको मैसेज अब आएगा रजिस्ट्रेशन का, उसके अंदर मेंशन किया होगा, आप उस पिन को बदलना चाहो तो आप बदल सकते हो। फिर चूंकि मैं रजिस्टर्ड हो गया हूं तो मुझे ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 181C का सर्टिफिकेट कमिश्नर साहब इशू करते हैं, ये कानून में लिखा हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट आपको दिखाऊं, ये देखें, ये सर्टिफिकेट हो गया डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये बड़े सारे लोगों ने सर्टिफिकेट जो होता है ये अपनी शॉप्स पे लगाया होता है, ठीक है, ये क्यों लगाया होता है, ठीक है, ये आपको बताते चलें, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, आप तो बल्कि लॉ का 181C बोलते हैं, 181C बोलता है डिस्प्लेइंग ऑफ द टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये क्या है? टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये देखो टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को 181C के तहत इशू किया गया और इसी सेक्शन के तहत ही इसी सर्टिफिकेट को आपने डिस्प्ले करना होता है अपने कहाँ पे, बिजनेस प्रिमिसेस पे, ठीक है,
जब उस सेक्शन को आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इस सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है, ये सर्टिफिकेट बताता है कि आप एफबीआई के साथ रजिस्टर्ड हो गए हो, इस सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप फाइलर बन गए हो, ठीक है, आप क्या बन गए हो, फाइलर बन गए हो। इस सर्टिफिकेट का ये तो बताता है रजिस्टर्ड हो गए हो लेकिन फाइलर नहीं बने। फाइलर आप तब बनोगे, ये मैंने लंबी चौड़ी बात में तमीज बांधनी है समझाना है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, ठीक है, किस साल करोगे, कैसे करोगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये सर्टिफिकेट आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बताता है, जिस दिन आप रजिस्टर्ड हुए वो बताता है आपको, आप बताता है कि इंडिविजुअल हो या फर्म हो या कंपनी हो, यानी कि फिर सर्टिफिकेट फर्म का भी कंपनी का भी इंडिविजुअल का भी इसी तरह होता है। बंदे का नाम क्या है, उस बंदे का एड्रेस क्या है, उस बंदे का आरटीओ क्या है, उस बंदे की एक्टिविटी क्या है, क्या वो बंदा बिजनेस पर्सन है या बिजनेस पर्सन के अलावा नॉर्मल इंडिविजुअल है। इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल में बिजनेस भी डाला हुआ होगा, अगर मैं आपको चाहें तो ये दिखा दूँ, लेट मी सी कि यहाँ पे आना चाहिए, अब जोगी साहब आपने मेरी डट को नजर लगाई है, अच्छा ये बिजनेस में आके देख लें, ये बिजनेस में नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये बिजनेस इंडिविजुअल है, बिजनेस के अलावा सैलरी वाला भी इंडिविजुअल हो सकता है, खैर। अच्छा जी, यहाँ पे कहता है कि ये डिजिटल सर्टिफिकेट है, इस पे कोई सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, इस पे सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसको शो करना मैंडेटरी है। फिर अगली बात, ये सर्टिफिकेट आपको बताता है कि ये सबूत नहीं है कि आप फाइलर हो। पहले कंसेप्ट होता था फाइलर नॉन फाइलर का, फाइलर फाइलर वो होता था जो ड्यू डेट के अंदर, जैसे आपके बिल जमा करवाने की, बिजली का बिल होता है उसकी भी एक ड्यू डेट होती है कि इस डेट तक बिल जमा करवाने, इस तरह रिटर्न जमा करवाने की भी एक डेट होती है जो कि सेक्शन 118 में लिखी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे। तो अगर कोई टाइम पे ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल करता है तो फाइलर बन जाता है, और अगर एक बंदा टाइम के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करता तो वो फिर नॉन फाइलर होता है। लेकिन क्या अगर मैं टाइम के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करता फिर मैं फाइलर बन ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। सेक्शन 182 के अकॉर्डिंग आप अपना जुर्माना पे करें, आप मुतलका डेट के बाद भी अपना वो रिटर्न फाइल करके फाइलर बन जाएं, ठीक है। लेकिन अब वो फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट हो गया पुराना, अब इसकी जगह पे नया वर्ड आया है, ठीक है, वो वर्ड नया कंसेप्ट क्या है, एटीएल का। अब एटीएल के बारे में बताता हूँ, ठीक है, बल्कि मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन आंसर आपके कर लेते हैं इन चीज़ों को, फिर अगली क्लास में यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम प्रोसीड करेंगे, और अगली क्लास इंशाल्लाह हम लोग ईद के बाद कनेक्ट करेंगे, और उसके लिए आपको कॉलेज इंतजामिया खुद इंटीमेट कर देगी आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इन द मीन वाइल जो हमने पढ़ा है आप उसके मुताबिक, ठीक है, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते। अच्छा एक बात, ऐसे नहीं एकदम से सारे माइक खोल के शुरू हो जाएं, आप वन बाय वन, अच्छा हैंड रेज किया समरीन ने पहले, ये समरीन आप क्वेश्चन पूछे, बाकी भी हैंड रेज कर दें, मैं फिर बोल दूंगा कि अच्छा ये लोग, आप लोग हैंड रेज कर दें, तो समरीन आप पहले पूछे जो पूछे। जी सर, मुझे थोड़ा सा जो क्लेरिफिकेशन चाहिए थी वो इसमें चाहिए थी कि जो आपके पास एफबीआई पे जो आप रजिस्टर्ड होते हैं तो पासवर्ड आता है, तो पासवर्ड जो होता है आपके ईमेल पे भी आता है और एसएमएस पे भी आता है, दोनों दोनों पासवर्ड आपको रिमेम्बर करना होता है तभी आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, मतलब वो अच्छा वो उसको ओटीपी हम बोलते हैं ना, वो तो वन टाइम पासवर्ड होता है, जब रजिस्टर्ड आप हो जाते हैं उसके बाद आपको पासवर्ड दोबारा आता है मोबाइल पे भी ईमेल पे, ठीक है। अच्छा, और रजिस्टर्ड होने के लिए वो दोनों पासवर्ड हमें एंटर करना होता है, राइट? ठीक है सर, थैंक यू जी। मोहम्मद यानी ओवैस अहमद, ओवैस भाई, ओवैस भाई ने बस सिर्फ ऐसे बैठे बैठे हाथ रेज कर दिया है, नींद में होंगे। खैर, मुस्लिम शाह साहब आप अपना सवाल पूछें, क्या पूछना चाहते हो? जमील रहमान कहते हैं जी सर अगर रजिस्ट्रेशन में नेम की स्पेलिंग करेक्ट करने हो तो। जमील साहब एक ईमेल है हेल्पलाइन मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां पे आपने अपना एनआईसी शनाख्ती कार्ड भेजना है और आपने अपनी टैक्स पर प्रोफाइल इंक्वायरी भेजनी है, आपने उनको कहना है कि मेरे एनटीएन में ये वाली नाम है, शनाख्ती कार्ड में मेरा ये नाम है, अल्लाह का वास्ता है मेरा नाम चेंज कर दें, ठीक है, और वो सेम डे में आपका नाम चेंज कर देते हैं, वो ईमेल मैं आपको यहाँ पे लिख के भेज दें, ठीक है सर। क्लास जी मैं आपको क्लास के दौरान अभी बल्कि गपशप लगाते हुए ही शेयर कर देता हूँ स्लाइड्स को, ठीक है।
इन द मीन वाइल अगर आपका कोई और क्वेश्चन है किसी भी बंदे का। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर अब्दुल वाद है। जी। सर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बंदे का जो नंबर होता है मोबाइल नंबर वो एनआईएस के हवाले से रजिस्टर्ड नहीं होता, तो अगर वो ना हो तो उससे उसका क्या प्रोसीजर है, कोड वगैरह कैसे? ईमेल पे तो आ जाता है लेकिन नंबर पे नहीं आता। नंबर पे नहीं आता बेसिकली, हम भी हाल इसका ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढे हैं, ठीक है? फिर जब हम दोनों भाइयों को मिल जाएगा हम पूरी क्लास को बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी एक एक टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाया था, उसमें इंडिविजुअल लिखा हुआ था, ठीक है? तो अगर ऐसा हो कि वो बंदा अपना एक और सर्टेन बिजनेस किसी पार्टनरशिप के साथ करे और एक अलग अलग से करे, तो उसके लिए क्या दो बनेंगे? मुझे एक बस एक सादा सा सवाल होगा, उसका जवाब दोगे फिर आपको खुद क्लियर हो जाएगा। आपके वालिद साहब का, आपके बल्कि वालिद साहब ने, आपके वालिद मोहतरम साहब का एनएससी अलग है, आपका एनएससी अलग है। नाराज नहीं होना, ये मेरे साथी मिसालें समझाने के लिए होती है, ठीक है? या एक ही एनएससी यूज करते हो? नहीं, अलग अलग। अलग अलग है, शाबाश। तो इस तरह से आपका जो बिजनेस होता है ना, पार्टनरशिप होती है, उसको कानून अलग से एक बंदे के तौर पे मानता है, एक अलग से एक वो चीज मानता है, ठीक है? अब कानून अलग से बंदा मानता है, अलग से उसको कुछ मानता है, तो उसका अलग एंटीएन होगा और आपका अलग एंटीएन होगा। यानी कि फिर पार्टनरशिप अपना रिटर्न खुद फाइल करेगी और आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिविजुअल अपने बिजनेस, अपने एंटीएन पे बिजनेस का नेम ऐड करना चाहता है, तो फॉर्म 181 में वो जाके ऐड करेगा? वो हमने करवानी है, हमने तो अभी भाई मैंने तो उसको ऊंचा बढ़ाना है, ठीक है? और बढ़ाना इस तरह से, मेरा ये मानना है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं ना, माइट बी देयर माइट बी सम पीपल कि जो सोचते हो कि यार ये तो बेसिक बेसिक आसान आसान चीजें हैं, लेट्स गो, आगे चल के आपको एडवांस चीजें भी करवाऊंगा, ठीक है? लेकिन अभी फौरी नहीं करवा सकता और बहुत एडवांस पे नहीं जाऊंगा, उसके लिए हमने अलग से प्लानिंग की हुई है कि एडवांस में चीजें हमने अलग से आपको समझानी है, वो हमारा सेशन भी हमने स्टार्ट करना है, उसमें सारी लिटिगेशन होगी, ठीक है? अभी तो समझो मैं समझता हूँ मेरे लिए आप सारे वो लोग हैं जिनको कुछ टैक्स का पता ही नहीं, मैं इस नजर से आपको समझाता हूँ, ठीक है? ठीक। अच्छा जी, और एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है जी, ये कौन साहब है, ये कहते हैं जी सर पास कोड के लिए बंदा अपना नंबर डाल सकता है ताकि पास कोड के लिए क्लाइंट से पता चले? पास कोड के लिए अभी जब उसने क्या दिया कि आपके नाम वो क्लाइंट के नाम पे रजिस्टर्ड हो जिस बंदे की रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो किस तरह से डालोगे मेरा भाई, मुझे मैं थोड़ा सा समझा दो। अच्छा जी, कोई हुक्म है, कोई सवाल है तो पूछें। सर आपने एक बुक का बताया था, उसी है बुक वो के वो आप डिस्कस ले, उसका नाम जरा सजेस्ट कर ले। अच्छा, वो यार बिल्कुल आसान सी बुक है, बड़ी सादी सी बुक है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो आपको अफाका होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर काका होगा। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारा एक बुक्स का कोर्स है जो अकाउंटेंट्स के लिए होता है, ठीक है, उसका लॉन्च करने का ना, तो उन्होंने कहा सर मैं अवेलेबल हूँ लेकिन इतना टाइम नहीं मैं दे सकता, ठीक है? तो हमने फिर एक ऐसा कोर्स आगे प्लान किया है जिसके अंदर ये कहें क्विक बुक्स एंड उधर यूएस में कंपनी कैसे बनेगी, यूएस की इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगी, सेल टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगी, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमने करवानी है, ठीक है? और वो इंशाल्लाह उस चीज़ को हम करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, उसको हमने इंशाल्लाह ईद के बाद लॉन्च करना है, और उसमें आप लोगों को भी इन्वाइट किया जाएगा कि अगर कोई बंदा चाहता है, मैंडेटरी नहीं है अभी भी। ये देखें, आपने अगर एक आधी क्लास ली है, इफ यू सपोज जिन लोगों ने पे किया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने नहीं पे किया हुआ, लोग ऐसे होते हैं कि जी मैंने डेमो एक आधा लेना है, तो हर बंदे को मैं तो बिल्कुल, आप
हालांकि एक बात सुने, मेरा सक्सेस रेट कॉलेज वालों की नजर में तब होगा जब मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को रिटेन करूंगा, ये बात आप समझे ठीक है। तो अगर आप पूछते हैं फलाम वाली चीज है, तो मैं मेरा भाई आपको कुछ दो नंबरी नहीं करता, मैं सीधी बात करता, मैं कहता भाई ये मैंने नहीं बढ़ाना, ये मैंने बढ़ाना है। हालांकि उसमें ये हो सकता है कि मैं अपने आप की तारीफें करूं, मैं बढ़ा चढ़ा के अपने आप को प्रेजेंट करूं, मुझे नहीं करना, मुझे आपको फैक्चुअल चीजों पे लेके चलना है और तल्लुकात ऐसी होनी चाहिए जो एक नंबर हो। वो कोर्स जब हम करवाएंगे, जो आपके साथ चीजें इंशाल्लाह शेयर करेंगे, आपको बता देंगे, वो सारी चीजें फिर आपको करवाई जाएंगी इंशाल्लाह ठीक है। अभी ये पाकिस्तानी टैक्सेशन के लिए ही आपको बढ़ा दिया। खामोश क्यों हो गया भाई? सर मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है 2019 में, गलती से की थी ऐसी सर, लेकिन अगर फाइलिंग के लिए मेरी इंफॉर्मेशन चाहिए अगर मतलब प्रैक्टिस के लिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा फिर आगे क्लास में। वो हमारे पास बड़े लॉग इन है, हमारे पास क्लाइंट्स के ढेर सारे लॉग इन है, लेकिन आपकी रिटर्न वगैरह अगर जरूरत होगी तो वो अगर कुछ जरूरत पड़ी तो हम आपसे ले लेंगे। अगर आप कहेंगे मेरी फलाम रिटर्न सबमिट होने वाली है तो आपकी रिटर्न हम क्लास के अंदर सबमिट करेंगे, उससे बाकी लोग सीख जाएंगे और आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी, समझ रहे हो? जी बिल्कुल जी। किसी बंदे का कोई मशवरा, कोई सजेशन, कोई हुक्म काम, या मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूँ, अच्छा जी, कि आपको कुछ चीजें बोरिंग लगी या कुछ, इफ यू सजेस्ट समथिंग कि मैं चीजों को बेटर अंदाज में प्रेजेंट कर सकूँ, If you have some idea, I have no issue at all. ये नहीं है कि मतलब मुझे कोई खुद पे यकीन नहीं है, या मैं लोग से हमेशा मशवरा लेता रहता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि मैं अपने लिहाज से तो वो ऐसे बढ़ाऊंगा जैसे मैं बेस्ट बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे देखना है आपको, द ऑडियंस वो क्या सोचती है। सर इट्स गोइंग गुड, और बाकी मैं इसलिए कह रहा था कि मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल हो, जो बंदा हो रियल पर्सन, उसके लिए मैं कह रहा था कि अक्सर तो हम वीडियो तो बंदे फिर से भी देख लेते हैं, लेकिन सामने सब जो हो जाओ कि इसके आगे फिर अगला स्टेप क्या होता है, क्या अगला स्टेप, ऑलरेडी आपने कह दी कि आपके पास क्लाइंट है तो लेट्स गो टू दिस गुड। नहीं नहीं क्लाइंट्स ऐसे आपको लगा कि मैं सिर्फ ऐसे बड़ा बड़ू के चला जाता हूं, है नहीं, नहीं मेरे पास बकायदा क्लाइंट्स, मैं प्रैक्टिस करता हूं भाई, मेरा कराची में, मैंने बताया था ऑफिस है इस्लामाबाद में, मेरा ऑफिस लाहौर में, मेरा शेयरिंग पे ऑफिस है ठीक है, इन दो जगहों पर मेरी इंडिपेंडेंट ऑफिस है। आप ये होगा कि मुझे आप देखेंगे एक दिन, मैं सुबह लाहौर होगा अपना कराची होगा, अगले दिन देखेंगे इस्लामाबाद होगा ठीक है, तो फिर आगे देखेंगे शाम में हो सकता है मैं लाहौर बैठा हूँ ठीक है। तो मतलब ये नहीं है क्लाइंट्स के बगैर मैं सारी चीज़ें आपको रियल टाइम में पोर्टल पे करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोचें कि यार ये बस लॉ लो बढ़ा देगा, जो चीज़ें मैंने आपको ज़रूरी समझता हूँ ना लॉ में, देखें आज मैंने सेक्शन को कई सेक्शन गोल भी किए हैं, घुमाए भी हैं, क्यों ऐसा किया है, क्योंकि जो ज़रूरी नहीं है चीज़ें मतलब वो आप खुद कर सकते हैं, मुझे दिखाना है आपको रास्ता कि आप एक रस्ते पे चल के कैसे चीज़ों को वो सीखेंगे। अगर मैं एक ही चीज़ बढ़ाने लग जाऊँ तो फिर तो मैं चार महीने में इनकम टैक्स नहीं खत्म कर सकता, अगर मैं एक ही सेक्शन बढ़ाऊँ, लेकिन आई एम डैम श्योर कि अगर मैं सिर्फ इनकम टैक्स आपको इन डेप्थ बढ़ा दूँ तो उसके बाद आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप कहेंगे अच्छा आप तो हम खुद भी बढ़ा सकते हैं, तो मैं क्यों बढ़ाऊँ आपको। बेसिकली हम इतना टाइम हमारे पास है नहीं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, या इफ देयर इज सम कंफ्यूजन तो देन यू मे लेट यू लेट मी नो के मतलब हमें इस चीज पे आप बेटर को बताएं ठीक है। मैं इंशाल्लाह मैक्सिमम पॉसिबल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको जितना हम आगे लेके जा सकते हैं हम जाएंगे, लेकिन अनस साहब मेरा ख्याल आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपका नाम अनीस या अनस जो भी है, एक हद तक मैं एडवांस में जाऊंगा, वरना एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन का हम अलग से टीच करते होते हैं, क्योंकि उसमें फिर मैं ये नहीं है कि बच्चों वाली चीज़ें बढ़ाऊं और एडवांस चीज़ें बढ़ाऊं, आई जस्ट लेटिंग यू नो कि मैं एक बेसिक आपकी यहाँ पे इस कोर्स में सेट करूंगा। कल को आप कहेंगे मॉक किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रेफरेंस कैसे सबमिट करना है, सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं, हाई कोर्ट का रेफरेंस कैसे दायर करना है, कमिश्नर अपील्स वैसे मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन जो दूसरी अपील्स बढ़ाएंगे उसमें तो आप ये कहेंगे लिटिगेशन में, उसमें तो हम आपको इतने केस लॉ करवाएंगे, मॉक स्टडीज होगी ताकि आप लोग कहें, और वो बंदा हम कोर्स में एनरोल ही उसको करते हैं जिस बंदे की ये कोर्स वोर्स, मैं ये नहीं कहता कि लाजमी उसने हमारा कोर्स लिया हो, जो बंदा प्रैक्टिस करता हो या ये कोर्स लिया हो, यानी कि कल को ये ना उधर वो कहे सर मेरे तो ऊपर से चीजें गुजर रही हैं, और वो चीजें उसके ऊपर से गुजर रही हों तो फिर मुझे फायदा नहीं है, हालांकि मैं समझो कि एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करके ऊपर जा रहा हूँ, उसमें तो हमने प्योरली ऊपर लेके जाना चीजों को, और अभी ये भी है कि इस पूरे कोर्स में अकेला इन्वॉल्व नहीं हूँ,
there shall be another resource, inshallah आपको वो भी पता चलेगा, वो जैज में लीगल टैक्सेशन मतलब कॉन्सल टैक्सेशन है, तो वो उस बंदे का माशाल्लाह वो मेरे भी सीनियर है, ठीक है, तो आपको वो भी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। वो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज का एरिया वो बढ़ा रहे होंगे आपको, सेल टैक्स की कुछ प्रैक्टिकल रिटर्न वो आपको करवा रहे होंगे, कंपनी की रिटर्न मैंने उनसे आपको करवानी है। जा क्या है, जो एरियाज मैं समझता हूँ कि मैं आपको अच्छे करवा सकता हूँ वो मैं करवाता हूँ, जो एरियाज वो अच्छे करवा सकते हैं वो करवाते हैं, ठीक है। टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, भाई जान सिंपल सी बात है, हम स्टूडेंट ऑफ एसएससी, अगर स्टूडेंट ऑफ एसएससी हैं फिर तो आप बन सकते हैं, ठीक है, बाकी लोग भी बन सकते हैं। अगेन मैं ये बात करूंगा, हमारी एक पंजाबी की मिसाल है, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मीठा, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये कि जितनी एफर्ट करोगे, कल की क्लास का स्टार्ट यही था कि हर इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप कहें कि मैं आपने सिर्फ मेरी ये क्लास लेनी है, उसके बाद आप कहें कि आई वॉन्ट टू बी अ टैक्स कंसल्टेंट, यू कांट बी अ टैक्स कंसल्टेंट, यू हैव टू इन्वेस्ट द टाइम इन स्टडीज, आपको कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा। ऐसे लोग भी होते हैं जो अगली क्लास में आएंगे मुंह उठा के और ये क्लास भी ली होगी, ये मेरी क्लासेस तो मैं आपको बता दूं ये एक स्टेज की तरह है, आफ्टर अ क्लास अगली क्लास उस पर बेस कर रही होगी। जैसे आज मैंने आपको नहीं बताया सर्कुलर लेटर क्या है, ठीक है, एसआरओ नहीं बताया, मैंने कहा जो इशू हुए होंगे, और एक मैंने कल की क्लास नहीं ली, मुझे वैसे आप खुद सोचो कि आपको ना पता हो, आप कहेंगे यार ये क्या है जो पुराने इशू हुए हैं क्या है, मैं तो एक दूसरे पे बेस करके चल रहा हूँ, ट्राई टू डिजेस्ट टू दी मैसेज थ्योरी को गो थ्रो करके अंडरस्टैंड करूंगी सेक्शन जी। आप समीना जब इन चीजों को देख लोगी समझ लोगी, मैं कहता हूँ यकीन करें जो मार्केट में बड़े सारे आपको लोग मिलेंगे, आपने अगले बंदे के साथ बात करनी है, बात ऐसी हो सिर्फ प्रैक्टिकल ना हो, बात ऐसी हो जो सिर्फ लीगली ना हो, जब वन यू हैव द कॉम्बो ऑफ दिस टू तो आप किसी बंदे को ऐसे पछाड़ के रख लेंगे। Is it necessary for the person who is paying taxes in other countries to register? Basically, if you are, मतलब ये residential, non-residential status का मैंने आगे बताना है, और आप कहीं और taxes pay कर रहे हैं और पाकिस्तान में आप नहीं रहते, ठीक है, फिर तो आप ना file कर रहते, taxes कहीं और pay कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, तो then भी आपको पाकिस्तान में भी tax देना पड़ेगा, आपको ये कह VAT tax pay किया हुआ है उसका relief मिल जाएगा, tax concession मिल जाएगी, तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा। फॉर अ टाइम बींग आप ये याद रखें, पाकिस्तान में अगर रहती हैं आप तो आपको पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड होना है और टैक्स भी पे करना, ठीक है, और आप कहेंगे मैं तो यहाँ से कमाती नहीं, बैठ से कमाती हूँ, इवन देन पे करना है, कैसे पे करना है आगे डिस्कस करना है। राहिल जालिब, अगर नेक्स्ट क्लास की प्रेजेंटेशन भेज दें वुड बी बेटर, वी कम प्रिपेयर्ड, मैं आपको ज़रूर भेज दूंगा, ठीक है। बेसिकली मैं आपको चीज़ बता दूँ, मैंने वो चीज़ सोल प्रोप्रेटर पर सारी क्लास आपकी लेके जानी है, आपकी सोल प्रोप्रेटर होता क्या है, ठीक है, सोल प्रोप्रेटर के बेनिफिट्स क्या हैं, सोल प्रोप्रेटर जो है ये रजिस्टर कैसे होता है, जैसे भाई ने कहा था कि यार ये तो अभी हमने सिर्फ एनटीएन लिया है, ये एनटीएन सैलरी वाले के भी लेना पड़ेगा, ये जो फ्रिज वाला काम करना चाहता है उसके लिए भी लेना पड़ेगा, एक बंदा जो कोई रेडी लगाना चाहता है और अपने आपको रजिस्टर करवाना चाहता है उसके लिए भी लेना पड़ेगा, यानी कि जो चाहता है ना, आप लोगों में से कोई बंदा हो जो कहता है कि समीना ही कहती है, समीना टैक्स कलेक्टर है, मैं इस नाम का क्या करना चाहती हूँ, अकाउंट खुलवाना चाहती हूँ बैंक में, बैंक वाला नहीं खोल के देगा, तो यानी कि ये फिर अपना एनटीएन बनाएंगे, ये आज एनटीएन बनाना सीख लिया, उस एनटीएन के अंदर बिजनेस ऐड होगा, वो बिजनेस ऐड करना अगली क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है, अब उसके सिलसिले में आप अगली क्लास में देखिएगा। तो जब वो बिजनेस ऐड हो जाएगा ये वो एनटीएन लेके बैंक के पास जाएंगे कि आप मुझे खोल दें, वो कहेगा जाओ अभी नहीं, अभी आधा काम करके आइए, जाओ मुझे अपने लेटर एड बनवा के लेके आओ, ये लेटर एड बना के लेके जाएंगे, वो फिर दोबारा भेज देगा, वो कहेगा जाओ स्टैंप बनवा के लेके आओ, ये उस वक्त गुस्सा करके सुना के आएंगे, तो ये नई स्टैंप बनवा के जब लेके जाएंगे तो इसका अकाउंट खोल देंगे। तो मैंने सिर्फ सोल प्रोप्रेटर पे उसकी भी उसकी कोई एक दो तीन स्लाइड्स होगी, बाकी उसका ज्यादा फोकस हमारा प्रैक्टिकल और ज्यादा डिस्कशन पे होगा। इजाजत है जी मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है तो है तो मैं हाजिर हूं। चलें, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, और आपको एडवांस ईद मुबारक भी, ठीक है, और ये कि अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज भी करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है क्लास जितनी इंटरेक्टिव हो सके वो हो, मैं समटाइम आप लोगों को तंज भी कर देता हूँ, ठीक है, समटाइम भी होता सा क्वेश्चन जो आपको बहुत नागवार गुजर करता हूँ, उसकी वजह एक लर्निंग होती है, ताकि आप लोग जब वो सोचेंगे अपने जेन से क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको होगा कि यार मैंने इस एंगल से क्यों नहीं सोचा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी को डेवलप करना, ठीक है, तो कभी भी मैं नहीं चाहता कि किसी बंदे की इंसल्ट करूं, ठीक है। तो हाँ, क्लास में आप कोशिश किया करें कि क्या करें, जब आप क्वेश्चन पूछ लें तो
तो उसके बाद म्यूट करें, ठीक है, ताकि मैं उस चीज को देख सकूं। ठीक है, अफ्ताब अनवर साहब, ये देखें ना, अभी हमने बताया कि क्लासेज ईद के बाद होगी ना, तो अभी आप ये पूछ रहे हैं क्लास कैसे होगी, कब होगी। अभी मेरा भाई थोड़ा सा क्लास में एक्टिव ना करेंगे। चलें जी, आप सब लोगों को भी, सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक, और अगले जो भी है मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोग का, आप आए, और रिकॉर्डेड लेक्चर इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वो कल इंतजामिया आपके साथ शेयर कर देगी। मेरा काम है आपको पढ़ाना, उन लोग का काम है सिस्टम को मैनेज करना, ठीक है, तो कल आपको मिल जाएगा, जैसे आज का मिल गया था कल कभी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा नहीं, वो ईद के बाद आपको मैं बता दूंगा, हमने ट्रैवलिंग के लिए भी ना, मेरी कोशिश ये है कि ईद के बाद आप बच्चों को हफ्ता दिया जाए, ये हमने पास्ट में देखा है, विटनेस किया, लोग पता है क्या होता है, जो आउट स्टेशन होते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि आपने ट्रैवल करना है, ठीक है, तो ये जहरी सी बात है कि ईद के बाद भी आपको होगी। हम ऐसा नहीं करते कि इमीडिएटली क्लास रखते होते, हम कोशिश करेंगे कि आपको 4-5 दिन का गैप दिया जाए, ताकि सारे लोग, उसके बाद जब स्टार्ट होगा फिर हम कभी भी आपकी छुट्टी नहीं करेंगे, ठीक है, ये कंसीडरिंग द ईद इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।